धम्म पद भगवान बुद्ध के वचनों का अनूठा संग्रह धम्म पद। इसे मानवता की दिग्दर्शिका गाइड टू द ह्यूमैनिटी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये ग्रंथ त्रिपिटक के खुद्दक निकाय का अंग है। इसमें 26 वग अर्थात वर्ग अथवा अध्याय हैं, जिनमें कुल 423 गाथाएं हैं। गाथा का शाब्दिक अर्थ होता है गेय पद, अर्थात वे पद जिनका संगायन किया जा सके। धम्म पद की प्रत्येक गाथा गेय है। ये दुनिया का अकेला ग्रंथ है जिसका विश्व की लगभग हर भाषा में अनुवाद हुआ है। ये है तो भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह, है तो एक बौद्ध ग्रंथ, लेकिन वास्तव में यह मानवता की निधि है, दुनिया की धरोहर है। जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर का कहना है, पाली ग्रंथ धम्म पद मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। निश्चित रूप से ये पद्यों का अत्यधिक रोचक संग्रह है जो बौद्ध विचारों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। धम्म पद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान अल्बर्ट जे एडमंड कहते हैं, यदि एशिया खंड में किसी अविनाशी ग्रंथ की रचना हुई है तो वह यही है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कथन है, बौद्ध धर्म का यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसका संसार की सभी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। भगवान बुद्ध की कल्याणकारी शिक्षाओं तथा बौद्ध धर्म की वैज्ञानिक व्याख्याओं का अनुपम संग्रह यदि एक स्थान पर देखना हो तो वह धम्म पद में ही देखने को मिलेगा। धम्म जगत के सुविख्यात आचार्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन कहते हैं, और केवल एक पुस्तक को जीवन भर साथ बनाने की यदि कभी आपकी इच्छा हुई तो विश्व के पुस्तकालय में आपको धम्म पद से बढ़कर दूसरी पुस्तक मिलना कठिन है। दुनिया के विद्वान इस ग्रंथ का गुणगान करते हैं। बर्मा, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि बौद्ध देशों में आज भी धम्म पद के अखंड पाठ की परंपरा जीवित है। श्रीलंका में धम्म पद के पारायण के बिना भिक्खु की उपसंपदा नहीं होती। कई बौद्ध देशों में भिक्खु संघ को संपूर्ण धम्म पद कंठस्थ कराया जाता है। आज भी धम्म पद की 423 गाथाएं 26 वग में संकलित हैं। ये गाथाएं न केवल धम्म का सार हैं, बल्कि धम्म की दृष्टि से कई शब्दों को भी उनके वास्तविक अर्थों से परिचित कराती हैं, जैसे ब्राह्मण, पंडित, आर्य इत्यादि। भगवान बुद्ध की देशनाओं के अनुसार ये गुणवाचक संज्ञाएं हैं, न कि जातिवाचक अथवा नस्लवादी उपमाएं। राजेश चंद्रा और भास्कर सालवे कमलवीर की जुगलबंदी में प्रस्तुत है संपूर्ण धम्म पद का सस्वर सानुवाद संगायन। इस संगायन को कल्याण ठाट के राग यमन और भूपाली में स्वर दिया है भास्कर सालवे कमलवीर और अनुवाद को स्वर दिया है राजेश चंद्रा ने। इस संगायन को सुनना भी पुण्यकारक है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। धम्मपद
यमकवग्रो मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति शकं ववहतो पदं। मन समस्त धर्मों का पुरोगामी है, समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रदूषित मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। मन समस्त धर्मों का पुरोगामी है, समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया पीछे पीछे चलती है। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिने एचतं उपनयन्ति वेरं ते सन्न सम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें सोचते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे एचतं न उपनयन्ति वेरं ते सुपसम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें नहीं सोचते उनका वैर शांत हो जाता है। नहीं वेरे न वेरानि सम्मन्ति धकुदाचनं अवेरे न च सम्मन्ति एक धम्मो सनन्तनो। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। एक धम्मो सनन्तनो, यही सनातन धर्म है। परे चन विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे एच तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। अज्ञानी लोग नहीं विचारते कि वे इस संसार में नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं उन ज्ञानियों की कलह शांत हो जाती है। सुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंतं भोजनं हि अमत्तयो कुसीतं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रुखं वदुबलं। जो शुभ शुभ को ही देखते हुए विहार करते हैं, काम भोग के जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमी हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी हैं, उद्योगहीन हैं, उन्हें मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंतं भोजनं हि च मत्तयो सद्धं आरद्ध वीर्यं तं वे न पसहति मारो वातो सेलं वपबतं। जो अशुभ को देखते हुए विहार करते हैं, काम भोगों के जीवन में रत नहीं होते, जिनकी इंद्रियां उनके वश में रहती हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान
और उद्योगी है, उसे मार वैसे ही हिला नहीं सकता जैसे वायु हिमालय पर्वत को हिला नहीं पाती। अनिकसावो कासावं यो वत्थं परिदहे सती अपेतो दमसच्चेन नसो कासाव मरहति। जो मन को निर्मल किए बिना कासाय वस्त्रों को धारण करता है, सत्य और इंद्रिय दमन से रहित वो व्यक्ति कासाय वस्त्रों का अधिकारी नहीं है। यो चवंत कसावस्त शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दमसच्चेन सवे कासाव मरहति। जिसने अपने मन के मैल को दूर कर लिया है, जो सीलवान है, सत्य और संयम से युक्त है, वो व्यक्ति ही कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। असारे सारमतिनो सारे चासारदस्तिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। असार को सार और सार को असार समझने वाले मिथ्या संकल्पों से युक्त मनुष्य सार को प्राप्त नहीं करते। सारं च सारतो यत्वा असारं च असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। सार को सार और असार को असार समझने वाले सम्यक संकल्पों से युक्त मनुष्य सार को प्राप्त करते हैं। यथागारं दुच्छन्नं उठी समति विज्ञति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्ञति। यदि घर की छत में छेद हो तो जैसे उसमें बारिश का पानी आ जाता है, ऐसे ही संयम रहित चित्त में राग प्रविष्ट हो जाता है। यथागारं सुच्छन्नं उठीन समति विज्ञति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विज्ञति। यदि घर की छत छेद रहित हो तो जैसे उसमें बारिश का पानी नहीं आ पाता, उसी प्रकार संयमित चित्त में राग प्रविष्ट नहीं होता। इह सोचति ते च सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति सो सोचति सो विहयति दिस्वा कम्म किलिठ मत्तनो। पापी मनुष्य उभय लोक में शोक करता है, यहाँ भी और वहाँ भी, अपने दूषित कर्मों को देखकर शोक करता है, फल पाकर और भी पीड़ित होता है। इधमोदति तेच्च मोदति कतपुण्यो उभयत्थ मोदति सो मोदति सोपमोदति विश्वा कम्म विशुद्धि मत्तनो। पुण्यकर्मी उभय लोक में मुदित होता है, यहाँ भी और वहाँ भी, विशुद्ध कर्मों को करते समय मुदित होता है, उसके फल पाकर और भी मुदित होता है। इध तपति पेच तपति पापकारी उभयत्थ तपति पापन्ने कतंति तपति भीयो तपति दुगतिंगतो। यहाँ भी संतुष्ट होता है, वहाँ भी संतुष्ट होता है। पाप कर्मी उभय लोकों में संतुष्ट होता है, मैंने पाप किया है ये सोच कर संतुष्ट होता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है। इधनंदति तेच नंदति कतपुण्यो उभयत्थ नंदति पुण्यं मे कतंति नंदति भीयो नंदति सुगतिं गतो। यहाँ भी आनंदित होता है, वहाँ भी आनंदित होता है। पुण्यकर्ता उभय लोक में आनंदित होता है, मैंने पुण्य कर्म किए हैं ये सोच कर आनंदित होता है, सुगति को प्राप्त हो और भी आनंदित होता है। बहुं पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो
गोपो व गावो गणयं परेशं न भागवा सामयस्त होती। धम्म संहिताओं का कितना ही पाठ करे लेकिन यदि प्रमादवश उसके अनुसार आचरण न करे तो बस गाय गिनने वाले गोपालक की तरह वो समणत्व का भागीदार नहीं होता। अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्त होती अनुधम्मचारी, रागं च दोषं च पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविमुक्त चित्तो अनुपादियानो इधवाहुरं वा सभागवा सामयस्त होती। धम्म संहिताओं का चाहे थोड़ा ही पाठ करे लेकिन जो राग द्वेष मोह रहित व्यक्ति धम्म अनुसार आचरण करता है ऐसा बुद्धिमान अनासक्त उभय लोकों के भोगों की ओर न भागने वाला धम्मचारी ही श्रवणत्व का भागीदार होता है। अपमाद वग्गो। अपमादो अमत पदं पमादो मच्छुनो पदं अपमत्ता नमियन्ति ये पमत्ता यथामता। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य मरे हुए के ही समान है। एतं विशेषतो यत्वा अप्रमादं हि पंडिता अप्रमादे प्रमोदन्ति हरियाणं गोचरेरता। अप्रमाद के विषय में उसे इस विशेषता को जान, आर्यों के आचरण में रत पंडित जन अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। ते झाइनो सातिका निचं दह परक्रमा सुसंति धीरा निबानं योग खेमं अनुत्तरं। ध्यान करने वाले जागरूक नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले वीर जन अनुत्तर योग क्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उत्थानवतो सतिमतो शुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो संयतस्स च धम्मजीविनो अप्रमत्तस्स यसो भिवंदति। उद्योगी जागरूक पवित्र कर्म करने वाले सोच समझ कर काम करने वाले संयमी धम्मानुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी मनुष्य के यश की वृद्धि होती है। उत्थानेन अप्रमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथमेधावी यं ओहो नाभिकीरति। मेधावी मनुष्य उद्योग अप्रमाद संयम और दम द्वारा ऐसा दीप बनावे जिसे बाढ़ डुबो न सके। पमाद मनुयुंजन्ति बाला दुम्मे धिनो जना अपमादं च मेधावी धनं सेत्थं वरक्षति। मूर्ख दुर्बुद्धि प्रमाद करते हैं, मेधावी पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। मा पमाद मनुयुंजेथ मा कामरति संथवं अप्रमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो, प्रमाद रहित हो, ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। पमादं अप्रमादेन यदानुदति पंडितो पय्या पासाद मारुह्य अशोको शोकिनीं पजं पब्बतट्ठो भूमट्ठे धीरो बाले अवेक्षति। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ वो शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोक ग्रस्त मूर्ख जनों की ओर उसी तरह देखता है
जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर खड़े हुए आदमियों की ओर देखता है। अपमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलसंवसीघस्तो हित्वायाति सुमेधसो। प्रमादियों में अप्रमादी, सोते रहने वालों में जागरूक, बुद्धिमान आदमी उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे निकल जाता है। अपमादेन मघवा देवानं श्रेष्ठतंगतो अपमादं पसंसन्ति पमादो गरहितो सदा। अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना, इसलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है और प्रमाद की निंदा। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदशिवा संयोजनं अनुंथूलं दहं अग्गीव गच्छति। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्खु आग की तरह छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ चलता है। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदशिवा अबभो परिहानाय निब्बानस्येव संतिके। अप्रमाद में रत रहने वाले या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्खु का पतन होना असंभव है, वो निर्वाण के समीप ही है। चित्तवग्गो फंदनं चपलं चित्तं दुरक्खं दुन्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारो वतेजनं। चित्त चंचल है, चपल है, दुर्दक्ष है, दुर्निवार्य है। मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। वारिजो अथलेखितो ओकमूकत उभतो परिफंदतिदं चित्तं मारधेयं पहातवे। जलाशय से निकाल कर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, वैसे ही चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। दुन्निगहस्य लहुनो यत्थ काम निपात्यो चित्तस्य दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं। कठिनाई से निग्रह किए जा सकने वाले शीघ्रगामी जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है साधु। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। सुदुद्दसं सुनिपुणं यत्थ काम निपातिनं चित्तं रखेय मेधावी चित्तं गुत्तं सुखावहं। बुद्धिमान मनुष्य दुष्कर्ता से दिखाई देने वाले अत्यंत निपुण जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त की रक्षा करे। संभाल कर रखा गया चित्त सुख देने वाला होता है। दूरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमे सन्ति मुखंति मार बंधना। जो दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार गुही आशय चित्त का संयम करेंगे वे ही मार के बंधन से मुक्त होंगे। अनवट्ठित चित्तस्य सद्धम्मं अविजानतो परिप्लव प्रसादस्य पय्यान परिपूरति। जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धम्म को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, वो कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। अनवस्तुत चित्तस्य अनन्वाहक चेतसो पुण्य पाप पहिणस्य नत्थि जागरतो भयं। जिसका चित्त मल रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं है। कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं थपेत्वा
योधेत मारं पञ्यायुधेन जितं च रखे अनिवेशनोसिया। काया को मिट्टी की तरह नश्वर जान और चित्त को नगर की तरह सुरक्षित जान, प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करे, जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे तथा अनासक्त रहे। अचिरं वतयं कायो पठवीं अधिशेषति शुद्धो अपेत वियाणो निरथंग कलिंगरं। अहो, ये तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काट की भांति भूमि पर जा पड़ेगा। दिशो दिशं यन्तं कैरा वेरी वापन वेरिनं मिच्छा पहिनितं चित्तं पापयोनं ततो करे। शत्रु शत्रु की या वैरी वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग की ओर गया हुआ चित्त मनुष्य की उससे कहीं अधिक हानि करता है। नतं माता पिता कैरा अये वापी च यातका सम्मापहितं चित्तं सेयसोनं ततो करे। न माता न पिता न दूसरे रिश्तेदार आदमी की उतनी भलाई करते हैं जितनी भलाई सन्मार्ग की ओर गया हुआ चित्त करता है। उपवग्गो कोइमं पठवी विजेष्टति यमलोकं च इमं सदेवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो कुप्फमिव पचेष्टति। कौन है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा पृथ्वीलोक को जीतेगा? कौन चतुर पुरुष अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा? सेखो पठवी विजेष्टति यमलोकं च इमं सदेवकं सेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलो कुप्फमिव पचेष्टति। सैक्ष ही है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा पृथ्वीलोक को जीतेगा। चतुर सैक्ष अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। फेणुपमं कायमिमं विदित्वा मरिचि धम्मं अभिसंबुधानो छेत्वान मारस्स पपुफकानि अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे। इस काया को फेण के समान या मरु मरीचिका के समान जान, मार के फंदे को तोड़ यमराज के लिए अदर्शनीय बन जाओ। कुफानि हेव पचिनन्तं व्यासत्त मनसन्नरं सुत्तं गामं महोगो मच्चु आदाय गच्छति। राग आदि पुष्पों के सुनने में आसक्त आदमी को मृत्यु वैसे ही बहा ले जाती है जैसे सोते हुए गांव को नदी की बाढ़ बहा ले जाती है। पुफानि हेव पचिनन्तं व्यासत्त मनसन्नरं अतीतं एव कामेषु अंतको कुरुते वसं। राग आदि पुष्पों को चुनने में आसक्त आदमी को यमराज काम भोगों में अतृप्त अवस्था में ही अपने वश में कर लेता है। यथापि भमरो पुफं वर्ण गंधं अहेठयं पलेति रसमादाय एवं गामे मुनीचरे। जिस प्रकार फूल के वर्ण या गंध को बिना हानि पहुंचाए भौरा रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि गांव में विचरण करे। न परेशं विलोमान न परेशं कताकतं अत्तनो अवेखेय कतानि अकतानि च। न दूसरों के दोष न दूसरों के कृत अकृत को देखे। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने ही कृत अकृत को देखे। यथापि रुचिरं पुप्फं वर्णवन्तं अगंधकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होति अकुब्बतो। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त किंतु गंध रहित पुष्प होता है, उसी प्रकार
कथनानुसार कारणा करने वाले की सुभाषित वाणी निष्फल होती है। यथा पिरुचिरं पुष्पं वर्णवन्तं सुगंधकं एवं सुभाषिता वाचा सफला होति सकुब्बतो। जिस प्रकार सुंदर वर्ण युक्त सुगंध युक्त पुष्प होता है, उसी प्रकार कथनानुसार कार्य करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है। यथा पुपरा सिंहा कैरा माला गुणी बहु एवं जातेन मच्चेन कत्तबं कुशलं बहु। जिस प्रकार कोई फूलों के ढेर में से बहुत सारी मालाएं गूंथे, उसी प्रकार संसार में पैदा हुए प्राणी को चाहिए कि वो बहुत से शुभ कर्मों का संचय करे। न पुफगंधो पटिवातमेति न चंदरं सगर मल्लिकावा सतंच गंधो पटिवातमेति सब्बादिशा सप्पुरिसोपवाती। न तो पुष्पों की सुगंध, न चंदन की सुगंध, न तगर व चमेली की सुगंध हवा के विरुद्ध जाती है, लेकिन सत्पुरुषों की सुगंध हवा के विरुद्ध भी जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में अपनी सुगंध फैलाते हैं। चंदनं तगरं वापि उपलं अथवस्तिकी एतेस गंध जातानं सील गंधो अनुत्तरो। चंदन, तगर, कमल, यजुही इन सभी सुगंधियों से सील की सुगंध बढ़कर है। अपमत्तो अयं गंधो यायं तगर चंदनी योच सीलवतं गंधो याति देवेषु उत्तमो। ये जो तगर और चंदन की गंध है अल्पमात्र है, सीलवानों की उत्तम सुगंध देवताओं तक फैलती है। तेसं संपन्न शीलानं अपमाद विहारिनं सम्मदैया विमुत्तानं मारो मग्गं न विंदति। उन शील संपन्नों, निरालस विचरने वालों तथा ज्ञान द्वारा पूरी तरह से मुक्त हुओं के मार्ग को मार रोक नहीं पाता। यथा संकार धानस्मिं उज्जितस्मिं महापथे पदुमं तत्थ जायेत सुचि गंधं मनोरमं। एवं संकार भूतेषु अंध भूते पृथुजने अतिरोचति पय्याय सम्मा संबुद्ध सावको। जिस प्रकार महापथ पर फेंके हुए कूड़े के ढेर में सुंदर सुगंधित गुलाब का फूल पैदा हो, उसी प्रकार कूड़े के सदृश अंधे अज्ञजनों में सम्यक संबुद्ध का चित्त अपनी प्रज्ञा से प्रकाशमान होता है। बालवग्गो। दीघा जागरतो रत्ति दीघं संतस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं। जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है, उसी प्रकार सद्धम्म को ना जानने वाले मूर्ख आदमी का संसार लंबा हो जाता है। चरं से नाधिगच्छेय सेयं सदि समत्तनो एकचरयं दरं कैरा नथी बाले सहायता। यदि विचरण करते हुए अपने से श्रेष्ठ या अपने जैसे साथी को ना पाए, आदमी को चाहिए दृढ़ता पूर्वक अकेला ही विचरण करे। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। पुत्तंगति धनमति इति बालो विहयति अत्ताहि अत्तनो नति कुतो पुत्तो कुतो धनं। पुत्र मेरे हैं, धन मेरा है, ऐसा सोच मूर्ख आदमी दुख पाता है। जिस शरीर अपना नहीं तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन। यो बालो मयति बाल्यं पंडितो वापी तेनसो बालो च पंडितमान सवे बालो ति उच्चति। यदि मूर्ख आदमी
अपने को मूर्ख समझे तो उसमें अंत में तो वो बुद्धिमान ही है। असली मूर्ख तो वो है जो मूर्ख होते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। याव जीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति नसो धम्मं विजानाति दब्बीसु परसं यथा। मूर्ख आदमी चाहे जन्म भर पंडितों की संगत में रहे वो सद्धर्म को नहीं जान सकता, जैसे कलछी दाल के स्वाद को नहीं जानती। मुहूर्तमपि च वियु पंडितं पैरुपासति क्षिप्तं धम्मं विजानाति जिह्वासु परसं यथा। बुद्धिमान आदमी चाहे मुहूर्त भर भी पंडितों की संगत में रहे वो सद्धर्म को जान लेता है, जैसे जिह्वा दाल के रस को जान जाती है। चरन्ति बाला दुमेधा अमित्ते नेव अत्तना करुणता पापकं कम्मं यं होति कटुकफलं। मूर्ख दुर्बुद्धि लोग पाप कर्म करते हुए जिसका फल कड़वा होता है अपने आप अपने शत्रु की तरह आचरण करते हैं। नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस्स अस्सु मुखो रोदं विपाकं पटिसेवति। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे कर के पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े। तं च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस्स पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। काम करना वो अच्छा है जिसके पीछे करके पछताना न पड़े और जिसका फल प्रसन्न चित होकर भोगना पड़े। मधुवा मयति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुःखं निगच्छति। जब तक पाप कर्म फल नहीं देता तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मीठा समझता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है तब उसे दुख होता है। मासे मासे कुसगेन बालो भुंजेथ भोजनं नसो संखत धम्मानं कलं अग्धति सोलसिं। यदि मूर्ख आदमी महीने महीने भर केवल कुछ की नोक से भी भोजन करे तो भी वो धम्म के जानकारों के सोलहवें हिस्से के बराबर नहीं हो सकता। नहीं पापं कतं कम्मं सज्जू खीरं व मुच्यति दहंतं बालमन्वेति भस्माच्छन्नो पावको। पाप कर्म ताजे दूध की भांति तुरंत विकार नहीं लाता, वो भस्म से ढकी आग की तरह जलाता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है। यावदेव अनस्थाय यत्त बालस्स जायति हन्ति बालस्स सुक्कसं मुद्धमस्सं विपातयं। मूर्ख आदमी का जितना ज्ञान है वो सब उसके लिए ही अनर्थकारी होता है, उसकी मूर्धा को गिराकर उसके शुभ कर्मों का नाश कर देता है। असतं भावन मिच्छेय पुरेखारं च भिक्षुषु आवासेषु च ईश्वरीयं पूजं परकुलेषु च ममेव कतमयन्तु गिही पब्बजिता उहो ममेवातिवसा अस्सु किच्चाकित्तेषु किस्मिति इति बालस्स संकप्पो इच्छा मानो च वद्धति। अप्रस्तुत वस्तु की चाह करता है, भिक्षुओं में बड़ा बनने की चाह करता है, मठों और विहारों का स्वामी बनने की चाह करता है, दूसरे कुलों में पूजित होना चाहता है, गृहस्थ और प्रवजित दोनों मेरा ही किया माने ऐसा चाहता है, कृत्य अकृत्यों में मुझ पर ही निर्भर रहें ऐसा चाहता है, इस प्रकार के संकल्प करने वाले मूर्ख आदमी की इच्छाएं और अभिमान बढ़ता है। अय्या हि लाभपनिषा अय्या निब्बानगामिनी एवमेतं अभियाय
भिक्खु बुद्धस्तु सावको सत्कारं नाभिनंदेय विवेकम अनुब्रुहये। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का रास्ता दूसरा। इसे इस प्रकार जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्खु सत्कार की इच्छा न करे, विवेक की वृद्धि करे। पंडित वग्गो निधीनं वपवत्तारं यं पश्ये वज्जदस्विनं निग्रहवादी मेधावी तादिसं पंडितं भजे तादिसं भजमानस सेयो होती न पापियो। जो आदमी अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपे हुए धन दिखाने वाले की तरह समझे, जो संयम के समर्थक मेधावी पंडित की संगति करे, उस आदमी का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं। ओ देयानुशासेय असभ्याच निवारे सतं हि सोऽप्रियो होति असतं होति अप्रियो। जो उपदेश दे, अनुशासन करे, अनुचित कार्य से रोके, वो सत्पुरुषों को प्रिय होता है, असत्पुरुषों को अप्रिय। न भजे पापके मित्ते न भजे पुरिसाधमे भजेत मित्ते कल्याणे भजेत पुरिसुत्तमे। न दुष्ट मित्रों की संगति करे, न अधम पुरुषों की संगति करे, अच्छे मित्रों की संगति करे, उत्तम पुरुषों की संगति करे। धम्म पीति सुखं सेति विपसन्नेन चेतसा हरियप्पवेदिते धम्मे सदारमति पंडितो। धम्म रस का पान करने वाला प्रसन्न चित हो, सुख पूर्वक सोता है। पंडित जन सदा आयु के बताए धम्म में रमण करते हैं। उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं दारुं नमयन्ति तच्छका हत्तानन्दमयन्ति पंडिता। पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण नवाते हैं, बढ़ई लकड़ी को नवाते हैं और पंडित जन अपना दमन करते हैं। सेलो यथा एक घनो वातेन न समीरति एवं निंदा प्रशंसासु न समींजन्ति पंडिता। जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से नहीं डोलता, उसी प्रकार पंडित जन निंदा और प्रशंसा से कंपित नहीं होते। यथा तिरहदो गंभीरो विपसन्नो अनाविलो एवं धम्मानि सुत्वानं विपसीदन्ति पंडिता। पंडित जन धम्म को सुनकर अथाह स्वच्छ स्थिर तालाब की तरह प्रसन्न चित्त होते हैं। सबत्थते सपुरिषा च जन्ति न काम कामान लपयन्ति संतो सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन न उच्चावचं पंडिता दर्शयन्ति। सत्पुरुष कहीं आसक्त नहीं होते, वो काम भोगों के लिए बात नहीं बनाते, उन्हें चाहे दुख हो चाहे सुख, पंडित जन विकार को प्राप्त नहीं होते। न अर्थ हेतु न परस्य हेतु न पुत्रमिच्छेन धनं न रक्षं न इच्छेय अधम्मेन समृद्धिमत्तनो न शीलवा पय्यवा धम्मिको शिवा। अधर्म से न अपने लिए पुत्र धन या राष्ट्र की इच्छा करे, न दूसरे के लिए। जो अधर्म से अपनी उन्नति नहीं चाहता, वही शीलवान प्रज्ञावान और धार्मिक है। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो अथायं इतरापजा तीरमेवानुधावती। जो पार पहुँचे हुए हैं वो तो मनुष्यों में थोड़े ही हैं, बाकी आदमी तो किनारे पर दौड़ते रहते हैं। एचको सम्मदत्थाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो ते जना पारमेष्यन्ति मच्छुधेयं सुदुत्तरं। जो भली भांति स्पष्ट किए गए धम्म के अनुसार आचरण करते हैं, वही मृत्यु दुस्तर संसार को पार करेंगे।
कर्णं धम्मं विपहाय सुखं भावेथ पंडितो ओका अनोकं आगम विवेके यत्थ दूरमं तत्राभिरति निच्छेय हित्वा कामे अकिंचनो परियोदपेय अत्तानं चित्तक्लेशे हि पंडितो। पाप कर्म को छोड़कर पंडित जन शुभ कर्म करें, घर से बेघर हो जा एकांत में वास करें, काम भोगों को छोड़कर सर्वस्व त्यागी बन वहीं रत रहने की इच्छा करें। पंडित जन अपने चित्त के मैल को दूर करें। एसं संबोधि अंगेषु सम्मा चित्तं सुभावितं आदान पटिनिस्सगे अनुपादायेता खीणा सवा जूतिमंतो ते लोके परिनिभुता। जिनका चित्त संबोधि अंगों में भली भांति अभ्यस्त है, जो परिग्रह के परित्याग पूर्वक अपरिग्रह में रत हैं, चित्त मैल से रहित ऐसे द्युतिमान ही लोक में निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अरहंत वग्गो गतद्धिनो विशोकस्स विप्रमुक्तस्स सब्बदी सब्बगंधपहीनस्स परिराहो न विज्जति। जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, जो शोक रहित है, जो सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां छीड़ हो गई हैं, उनके लिए परिताप नहीं। उयुञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते हंसाव पल्ललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते। स्मृतिमान उद्योग करते हैं, वे घर में नहीं रहते। जिस प्रकार हंस क्षुद्र जलाशय को छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार वो घर को छोड़कर चले जाते हैं। एसं सन्निचयो नत्थि ये परिज्ञात भोजना संयतो अनिमित्तो च विमोखो ये सगोचरो आकाशेव शकुन्तानं गति ते संतुरन्नया। जो संचय नहीं करते, जिनको भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जिस प्रकार आकाश में पंछियों की गति अज्ञेय होती है। यस्सा सवा परिक्षीणा आहारे च अनिश्चितो संयतो अनिमित्तो च विमोखो यस्स गोचरो आकाशेव शकुन्तानं पदं तस्य दुरन्नयं। जिनके आश्रव क्षीण हो गए, जो आहार में आसक्त नहीं, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जैसे आकाश में पंछियों की गति अज्ञेय होती है। यस्सिन्द्रियानि समथंगतानि अस्सा यथा सारधिना सुदंता पहीनमानस्स अनासवस्स देवापितस्स पिहयतीतादिनो। सारथी द्वारा सुशिक्षित घोड़ों की तरह जिसकी इंद्रियां शांत हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया है, जो आश्रव रहित है, ऐसे पुरुष की देवता भी इस प्रहार करते हैं। पठवी समोन विरुज्झति इंदखीलूपमो तादी सुब्बतो रहदो अपेत कद्दमो संसारान भवन्ति तादिनो। इंद्रकील के समान अचल वृतधारी उसी तरह क्षुब्ध नहीं होता जैसे पृथ्वी, कुछ स्थिर पुरुष में उसी तरह संसार का मल प्रवेश नहीं करता जैसे कर्दम रहित सरोवर में। संतं तस्स मनं होति संता वाचा च कम्म च सम्मदया विमुक्तस्स उपसंतस्स तादिनो। उपशांत ज्ञान द्वारा पूरी तरह मुक्त हुए उस स्थिर चित्त पुरुष का मन शांत होता है, वाणी शांत होती है। असद्धो अकतयुच संधिच्छेदो चयो नरो
हतावकाशो वंतासो सवे उत्तम पोरिसो। जो अंध श्रद्धा से रहित है, जिसने निर्वाण को जान लिया है, जिसने बंधनों को काट दिया है, जिसके पुनर्भव की गुंजाइश नहीं, जिसने विषय भोग की आशा को त्याग दिया है, वही उत्तम पुरुष है। गामे वा यदि वा रहिये निन्ने वा यदि वा थले यत्थारहंतो विहरन्ति तं भूमिं रामणेयकं। गांव हो या जंगल, नीची भूमि हो या ऊंचा टीला, जहाँ अरहत रमण करते हैं वही भूमि रमणीय है। रमणीयानि अरण्यानि यत्थन रमति जनो वीतरागा रमिष्यन्ति नते काम गवेशिनो। रमणीय वन जहाँ लोग रमण नहीं करते, वहाँ वीतरागी रमण करते हैं, क्योंकि वो काम भोगों के पीछे दौड़ने वाले नहीं होते। सहस्रवग्गो। सहस्रमपि चेवाचा अनर्थपदसंहिता एकं अर्थपदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्रों वाणियों से एक उपयोगी पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती है। सहस्रमपि चे गाथा अनर्थ पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्रों गाथाओं से एक उपयोगी गाथा श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती हो। यो च गाथा सतं भासे अनर्थ पद संहिता एकं धम्म पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त कोई 100 गाथाएं कहे, उससे एक धम्म पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती है। यो सहस्रं सहस्रेण संगामे मानुषे जिने एकं त्यजेयमत्तानं सवे संग्राम उत्तमो। एक व्यक्ति संग्राम में लाखों आदमियों को जीत ले और एक दूसरा अपने को जीत ले, ये दूसरा अपने को जीतने वाला ही सच्चा संग्राम विजयी है। हत्ता हवे जितं सेयो या चायं इतरा पजा अत्तदंतस्य पोषस्य निच्चं संयतचारिनो। नैव देवो न गंधर्वो न मारो सह ब्रह्मणा जितं अपजितं कैरा तथा रूपस्य जंतुनो। दूसरों को जीतने की अपेक्षा अपने को जीतना ही श्रेष्ठ है। जिस आदमी ने अपने को दमन कर लिया, जो अपने को नित्य संयम में रखता है, उस आदमी की जीत को न देवता न गंधर्व न ब्रह्मा सहित मार ही पराजय में परिणत कर सकते हैं। मासे मासे सहस्रेण यो यजेथ सतं समं एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये सायेव पूजनासेयो यंते वस्त सतं हुतं। एक व्यक्ति जो सहस्र दक्षिणा दे, महीने महीने 100 वर्षों तक यज्ञ करे, और दूसरा किसी परिशुद्ध चित्त वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे, 100 वर्ष के हवन से वो मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है। यो च वस्स सतं जन्तु अग्निं परिचरेवने एकं च भावितत्तानं मुहूर्तमपि पूजये सायेव पूजनासेयो यंते वस्स सतं हुतं। एक आदमी 100 वर्षों तक वन में अग्नि की परिचर्या करे और दूसरा आदमी किसी परिशुद्ध चित्त वाले का मुहूर्त भर भी सत्कार करे, 100 वर्ष के यज्ञ से वो मुहूर्त भर की पूजा ही श्रेष्ठ है।
यं किंची इत्थं च हुतं च लोके संवत्सरं यजेथ पुञ्यपेक्षो सब्बं पितं चतुभागमेति अभिवादना उज्जुगते सुसेयो। पूर्ण की इच्छा से वर्ष भर जो यज्ञ और हवन करे वो सब सरल चित्त पुरुष को किए गए अभिवादन के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं होता। सरल चित्त पुरुषों को किया गया अभिवादन ही श्रेष्ठ है। अभिवादन शीलिस्स निच्चं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वंढन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। जो वृद्धों के प्रति अभिवादनशील है, उनकी सेवा करता है, उसकी आयु वर्ण सुख तथा बल में वृद्धि होती है। यो च वत्सतं जीवे दुस्सिलो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो शीलवन्तस्स जायिनो। दुराचारी और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से शीलाचारी और ध्यानी का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वत्सतं जीवे दुःपयो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो पय्यावन्तस्स जायिनो। दुष्प्रज्ञ और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यानी का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वत्सतं जीवे कुसीतो हीन वीर्यो एकाहं जीवितं सेयो वीर्यमारभतो दहम्। आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ता पूर्वक उद्योग करने वाले का 1 दिन का जीवन श्रेष्ठ है। यो च वत्सतं जीवे अपस्सं उदयभयं एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो उदयं भयं। उत्पत्ति और विनाश पर विचार न करते हुए 100 वर्ष तक जीने से उत्पत्ति और विनाश पर विचार करते हुए 1 दिन का जीना श्रेष्ठ है। यो च वत्सतं जीवे अपस्सं अमतं पदं एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो अमतं पदं। अमृत पद निर्वाण को न देखते हुए 100 वर्ष तक जीवन जीने से अमृत पथ को देखते हुए 1 दिन का जीना श्रेष्ठ है। यो च वत्सतं जीवे अपसं धम्ममुत्तमं एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो धम्ममुत्तमं। उत्तम धम्म की ओर ध्यान न देते हुए 100 वर्ष के जीने से उत्तम धम्म की ओर ध्यान देते हुए 1 दिन का जीना श्रेष्ठ है। पापवग्गो। अभिथरेत कल्याणी पापा चित्तं निवारे दंधं हि करोति पुण्यं पापस्मिं रमति मनो। कल्याण कर्मों को करने में जल्दी करें, पाप से मन को हटाएं, शुभ कर्म करने में ढील करने पर मन पाप में रत होने लगता है। पापं च पुरिशो कैरा नतं कैरा पुनः पुनः नतं हि छन्दं कैराथ दुःखो पापस्स उच्चयो। यदि पाप हो गया तो उसे पुनः पुनः न करें, उसमें रत न होवे। पाप का संचय दुख का कारण होता है। पुण्यं च पुरिशो कैरा कैराथेत पुनः पुनः तम ही छंदं कैराथ सुखो पुण्यस्स उच्चयो। शुभ कर्म करें तो उसे पुनः पुनः करें, उसमें रत होवें। पुण्य का संचय सुख का कारण होता है। पापोऽपि पश्यति भद्रं याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ पापो पापानि पश्यति। पापी को भी तब तक ही भला लगता है जब तक पाप फल नहीं देता। जब पाप फल देता है
तो उसे भी बुरा लगता है। भद्रोपि पश्यति पापं याव भद्रं न पच्यति यदा च पच्यति भद्रं अथ भद्रो भद्राणि पश्यति। पुण्य कर्म करने वाले को भी तब तक भला नहीं लगता जब तक पुण्य फल नहीं देता, जब पुण्य फल देता है तब उसे भला लगता है। माव मयेथ पापस नमंतं आगमिष्यति उद बिंदु निपातेन उद कुंभोपि पूरति पूरति बालो पापस थोक थोकंपि आचिनं। मेरे पास नहीं आएगा ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। मूर्ख आदमी थोड़ा थोड़ा करके पाप इकट्ठा कर लेता है। माव मयेत पुण्यस नमंतं आगमिष्यति उद बिंदु निपातेन उद कुंभोपि पूरति पूरति धीरो पुण्यस थोक थोकंपि आचिनं। मेरे पास नहीं आएगा सोचकर पुण्य की अवहेलना न करें। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। धैर्यवान थोड़ा थोड़ा करके पुण्य का संचय कर लेता है। वाणिजो भयं मग्गं अपसत्थो महद्धनो विसंग जीवितु कामो पापानि परिभज्जये। थोड़े काफिले और बहुत धन वाला व्यापारी भय युक्त मार्ग को छोड़ देता है अथवा जीने की इच्छा वाला व्यक्ति विष को छोड़ देता है। उसी प्रकार मनुष्य पापों को छोड़ दे। पाणिमिचे वणो नास्त हरेय पाणिना विसं ना बणं विसमन्वेति नत्थि पापं अकुब्बतो। यदि हाथ में घाव ना हो तो हाथ में विष लिया जा सकता है क्योंकि घाव रहित हाथ में विष नहीं करता। उसी प्रकार ना करने वाले को पाप नहीं लगता। यो अपदुष्टस्स नरस्स दुस्सति शुद्धस्स पोषस्स अनंगणस्स तमेव बालं पच्येति पापं सुकुमो रजो पटिवातव कित्तो। जो शुद्ध निर्मल दोष सहित मनुष्य को दोषी ठहराता है उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेंकी हुई सूक्ष्म धूलि फेंकने वाले पर ही पड़ती है। गभमे के उपजन्ति निरयं पापकम्मिनो सगं सुगतिनो यन्ति परिनिब्बन्ति अनासवा। कोई संसार में उत्पन्न होते हैं, पापी नरक में जाते हैं, शुभ कर्मी स्वर्ग में जाते हैं और जो चित्त के मलों से रहित हैं वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। न अंतलिखे न समुद्र मध्ये न पब्बतानं विवरं पविश न विज्यतीसो जगति पदेशो यत्थितो मुञ्येत पापकम्मा। न आकाश में न समुद्र की तह में न पर्वतों के गह्वर में संसार में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ रहकर आदमी पाप कर्म के फल से बच सके। न अंतलिखे न समुद्र मध्ये न पब्बतानं विवरं पविश न विज्यतीसो जगति पदेशो यत्थितं न पसहेयमच्चु। न आकाश में न समुद्र की तह में न पर्वतों के गह्वर में संसार में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ रहने वाला मृत्यु से बच सके। दंडवग्गो सब्बे तसंति दंडस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमंकत्वा न हनेयन घातये। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न किसी का घात करे। सब्बे तसंति दंडस्स सब्बे सं जीवितं पियं अत्तानं उपमंकत्वा न हनेयन घातये। सभी दंड से डरते हैं,
सभी को जीवन प्रिय है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न किसी का घात करे। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति अत्तनो सुखमेषां तेजसो न लभते सुखं। सुख की चाह से जो सुख चाहने वाले प्राणियों को डंडे से मारता है वो मरकर सुख नहीं पाता। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन न हिंसति अत्तनो सुखमेषां तेजसो लभते सुखं। सुख की चाह से जो सुख चाहने वाले प्राणियों को डंडे से नहीं मारता वो मरकर सुख पाता है। मावो च फरसंकंची उत्तापटी वदे युतं दुखा हि सारंभ कथा पटी दंडा सुसे युतं। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे तुमसे कठोर वचन बोलेंगे। दुर्वचन दुखदाई है, बोलने से बदले में तुम दंड पाओगे। सचे नेरे सि अत्तानं कंसो उपहतो यथा एष पत्तो सि निवानं सारंभो तेन विज्यति। यदि पीटे जाने पर टूटे हुए कांसे की तरह अपने को निशब्द रखो तो तुमने निर्वाण को पा लिया, तुम्हारे लिए कलह नहीं रहा। यथा दंडेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं एवं जरा च मच्छू च आयुं पाचेन्ति पाणिनं। जैसे ग्वाला गायों को डंडे के संकेत से चारागाह में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाते हैं। अथ पापानि कम्मानि करं बालो न बुझ्यति सेहि कम्मेहि दुम्मेधो हग्गि दड्ढो वतप्पति। पाप कर्म करता हुआ मूर्ख आदमी नहीं बूझता, पीछे दुर्बुद्धि अपने उन्हीं कर्मों के कारण आग से जलते हुए की तरह तपता है। यो दंडेन अदंडेषु अपदुठेषु दुस्सति दसन्न मय्यतरं थानं खिप्पमेव निगच्छति। वेदनं फर्सं जानि शरीरस्य च भेदनं गरुकं वापि आबाधं चित्तक्षेपं व पापुनि। राजतो उपस्तग्गं अभखानं व दारुणं परिखयं व यातिनं भोगानं वपभंगुरं। अथवस्स अगारानि अग्नि दहति पावको कायस्य भेदा दुःपयो निरयन्तो पपच्यति। जो अदंडनीय को दंड देता है या दोष रहित को दोष लगाता है, उसे इन दस बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है। तीव्र वेदना, हानि, अंग भंग, भारी बीमारी, पागलपन, राजदंड, कड़ी निंदा, रिश्तेदारों का विनाश, भोगों का क्षय, आग उसके घर को जला देती है, शरीर छूटने पर वो दुष्प्रज्ञ नरक में उत्पन्न होता है। न नग्नचर्या न जटा न पंका नाना सका खंडिल सायिका वा रजोच जल्लं उक्कुटिक प्रधानं सोधेन्ति मच्चं अवितीर्ण कंखं। न नंगे रहने से, न जटा धारण करने से, न कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से, न उकड़ू बैठने से ही उस आदमी की शुद्धि होती है जिसके संचय तेज हैं। अलंकतो चेति समंचरेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सब्बेषु भूतेषु निधाय दंडं सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खु। अलंकृत होते हुए भी यदि उसका आचरण सम्यक है, यदि वो शांत है, यदि वो दांत है,
यदि वो नियत ब्रह्मचारी है और यदि उसने सभी प्राणियों के प्रति दंड त्याग दिया है तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है। किरि निषेधो पुरुषो कोचि लोकस्मि विज्यति यो निंदं अपबोधति अस्सो भद्रो कसामिव। लोक में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी अपनी लज्जा निषिद्ध कर्म करने से रोक लेती है। जिस प्रकार उत्तम घोड़ा चाबुक को नहीं सह सकता, उसी प्रकार वे लोक निंदा नहीं सह सकते। अस्सो यथा भद्रो कसानिविद्धो आतापिनो संवेगिनो भवाथ सद्धाय शीले न च वीर्ये न च समाधिना धम्म विनिश्चये न च संपन्न विद्याचरणा पतिस्तता पहस्तत दुःखमिदं अनपकं। चाबुक खाए उत्तम घोड़े की तरह प्रयत्नशील और संवेग युक्त बनो। श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि तथा धम्म विनिश्चय से युक्त हो, विद्यावान और आचारवान बनो। स्मृति को बनाए रख, उस महान दुख का अंत करो। उदकं हि नयन्ति नित्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानंदमयन्ति सुब्बता। पानी ले जाने वाले पानी को ढालते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ढालते हैं, बढ़ई लकड़ी को ढालते हैं और सुवृति जन अपने मन का दमन करते हैं। जरावग्गो कोनु हासो किमानंदो निच्चं पज्जलिते सती अंधकारेन ओनद्धा पदीपं न गवेषथ। सब कुछ जल रहा है, तुम्हें हंसी और आनंद सूझता है? अंधकार से घिरे रहकर भी तुम प्रदीप को नहीं खोजते? पश्चित्त कतं बिंबं अरुकायं समुषितं आतुरं बहुसंकप्पं यस्य नत्थि ध्रुवंस्थिति। इस विचित्र शरीर को देखो जो व्रणों से युक्त है, जो फूला हुआ है, जो रोगी है, जो नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति निश्चित नहीं है। परिजिन्नमिदं रूपं रोग निर्धं पभंगुरं भिज्यति पूति संदेहो मरणंतं हि जीवितं। ये शरीर जीर्ण शीर्ण है, रोग का घर है, भंगुर है, सड़ कर भग्न होने वाला है, सभी जीवितों को मरना होता है। यानि मानि अपत्थानि अलाबुनेव सारदे कापोतकानि अठीनि तानि दिस्वान कारति। ये जो शरद काल की सी अपथ्य लौकी की तरह या कबूतरों की सफेदी की सी सफेद हड्डियां हैं, उन्हें देखकर शरीर में किसी की क्या रति होगी। अट्ठीनं नगरं कतं मंस लोहित लेपनं यत्र जरा च मच्छू च मानो मक्खो च ओहितो। हड्डियों का नगर बनाया गया है, मांस रक्त से लेपा गया है, इसमें बुढ़ापा, मृत्यु, अभिमान और दाह छिपे हुए हैं। जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता अथो शरीरं पि जरं उपेति सतं च धम्मो न जरं उपेति संतो हवे सभी पवेदयन्ति। सुचित्र राजरथ पुराने पड़ जाते हैं, शरीर जरा को प्राप्त हो जाता है, किंतु बुद्धों का धम्म जरा को प्राप्त नहीं होता। संतगण सत्पुरुषों से ऐसा कहते हैं। अपस्तुतायं पुरिषो बलिवद्दो वजीरति मनसानि तस्स वर्धन्ति पय्या तस्स न वर्धति। अज्ञानी पुरुष बैल की तरह बढ़ता जाता है, उसका मांस बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं। अनेक जाति संसारं संधा विस्सं अनिद्दिशं
गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनगेहन काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गह कुटं विसंखतं विसंखार गतं चित्तं कन्नानं खय मज्जगा। गृह कारक को ढूंढते ढूंढते मैं अनेक जन्मों तक लगातार संसार में दौड़ता रहा। बार बार जन्म लेना दुखदायक है। हे गृह कारक, तू दिखाई दे गया, अब फिर घर नहीं बना सकेगा। तेरी सब कड़ियां टूट गई हैं, घर का शिखर बिखर गया है, चित्त संस्कार रहित हो गया है, तृष्णाओं का क्षय हो गया। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं जिन्न कोचाव झायन्ति खीण मच्छेव कल्लले। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो बिना मछली के तालाब में बूढ़े क्रौंच पंछी की तरह ध्यान लगाते हैं। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं सेन्ति चापाति खिणाव पुराणानि अनुत्थम। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो टूटे धनुष की तरह पुरानी बातों पर पछताते हुए पड़े रहते हैं। अत्वगो अत्तानं च पियंजया रक्षेयतं सुरक्षितं तिन्नमय्य तरंग्यामं पटिजग्गेय पंडितो। जिसे स्वयं से प्रीत है वो स्वयं को सुरक्षित रखे। पंडित जन रात के तीन प्रहरों में से एक प्रहर जागता रहे। अत्तानमेव पठमं पतिरूपे निवेशये अथय मनसासेय न किलिश्चेय पंडितो। जो उचित है यदि उसे पहले स्वयं आचरण कर दूसरे को उपदेश दिया जाए तो पंडित जन को क्लेश न हो। अत्तानं चे तथा तैरा यथं च मनुषा सति सुदन्तवत दम्मेथ अत्ता हि किर दुद्दमो। यदि पहले स्वयं वैसा करे जैसा औरों को उपदेश देता है तो अपने को दमन कर सकने वाला दूसरों का भी दमन कर सकता है। वस्तुतः अपने को दमन करना ही कठिन है। अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परोसिया अत्तनाव सुदन्तेन नाथं लभति दुर्लभं। मनुष्य अपना स्वामी आप है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। अपने को दमन करने वाला दुर्लभ स्वामित्व को पाता है। अत्तनाव कतं पापं अत्तजं अत्त संभवं अभिमत्थति दुम्मेधं वज्रं वस्ममयं मणि। अपने से पैदा हुआ, अपने से उत्पन्न, अपने से किया गया पाप दुर्बुद्ध मनुष्य को वैसे ही पीड़ित करता है जैसे पाषाण मय मणि को वज्र पीड़ित करता है। यः सच्चन्त दुःशील्यं मालुवा सालमिवो ततं करोति सो ततत्तानं यथानं इच्छति दिशो। साल वृक्ष पर फैली मालुवा लता की भांति जिसका दुराचार फैला हुआ है वो अपने लिए वैसा ही करता है जैसा उसके शत्रु चाहते हैं। सुकरानि असाधुनि अत्तनो अहितानि च यंगवे हितं च साधुं च तंगवे परम दुःकरं। बुरे और अपने लिए अहितकर कार्यों का करना आसान है लेकिन शुभ और हितकर कार्यों का करना बहुत कठिन है। यो शासनं अरहंतं अरियानं धम्म जीवनं पटिको सती दुम्मेधो दिथिं निस्साय पापिकं फलानि कच्छकस्येव अत्तधक्काय फल्लति। भ्रांत सिद्धांत का अनुयायी होने के कारण जो दुर्बुद्धि धम्म जीवी आर्य अरहतों के शासन की निंदा करता है वो बांस के फल की भांति आत्महत्या के लिए ही फलता है। अत्तनाव कतं पापं
अत्तना संकिलिष्यते, अत्तना अकतं पापं अत्तनाव विसुज्यते, शुद्धि अशुद्धि पच्यतं नायो अयं विशोधये। अपना किया पाप अपने को ही मलिन करता है, अपना ना किया पाप अपने को शुद्ध करता है। प्रत्येक व्यक्ति की शुद्धि अशुद्धि अलग अलग है, एक व्यक्ति दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। अत्तदत्थं परत्थेन बहुनापीन हापये, अत्तदत्थम अभिन्याय तदत्थ पशुतोषिया। दूसरों के हित के लिए अपने हित की बहुत अधिक उपेक्षा भी न करें, आत्मार्थ को जानकर सद्धर्म में लगे रहें। लोकवग्गो हीनं धम्मं न सेवेय, प्रमादेन संनसे, मिथ्या दिट्ठिं न सेवेय, न सिया लोकवर्धनो। हीन धर्म का पालन न करें, प्रमाद से न रहें, मिथ्या धारणा न रखें और आवागमन को बढ़ाने वाला न बने। उत्तिष्ठे न पमजेय, धम्मं सुचरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति, अस्मिन् लोके परम च। उठो, आलस न करो, सुचरित धम्म का आचरण करो। धम्मचारी इस लोक और परलोक में सुख से रहता है। धम्मं चरे सुचरितं, नतं दुचरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति, अस्मिन् लोके परम च। सुचरित धम्म का आचरण करें, दुष्चरित कर्म का त्याग करें, धम्मचारी इस लोक और परलोक में सुख से रहता है। यथा बुब्बुलकं पश्ये, यथा पश्ये मरीचिकं, एवं लोक अवेक्षन्तं मच्छुराजा न पश्यति। जैसे आदमी बुलबुले को देखता है, जैसे मरु मरीचिका को देखता है, वैसे ही जो पुरुष लोक को देखता है उसकी ओर यमराज आंख उठाकर नहीं देखता। एथ पश्यथिमं लोकं चित्तं राजरथूपमं, यत्र बाला विसीदन्ति नत्थि संगो विजानतं। आओ, विचित्र राजरथ के समान इस लोक को देखो, इसमें मूढ़जन आसक्त होते हैं, ज्ञानी आसक्त नहीं होते। यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छासो न पमज्जति, सोम लोकं पभासेति अभ्रामुक्तो वचन्दिमा। जो पहले भूल करके फिर भूल नहीं करते, वो मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करते हैं। यस्य पापं कतंकम्मं कुशलेन पिथीयति, सोमं लोकं पभासेति अभ्रामुक्तो वचन्दिमा। जो अपने किए पाप कर्म को कुशल कर्म से ढक देता है, वो मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। अंधभूतो अयं लोको तनुकेत्थ विपश्यति, सकुन्तो जालमुत्तो अपो सग्राय गच्छति। ये संसार अंधा है, यहाँ थोड़े ही देखते हैं, जाल से मुक्त पंछियों की तरह थोड़े ही स्वर्ग को जाते हैं। हंसादिच्च पथेयन्ति आकाशे यन्ति धिया, नियन्ति धीरा लोकम्मा जेत्वा मारं सवाहनं। हंस आकाश में उड़ते हैं, रिद्धि बल प्राप्त आकाश मार्ग से जाते हैं और सेना सहित मार्ग को जीत लेने पर धीर जन लोक से निर्वाण को जाते हैं। एकं धम्मं अतीतस्य मुसावादिस्य जन्तुनो, वितिन्न परलोकस्य नत्थि पापं अकार्यं। जो इस एक नियम को लांग गया है, जो मिथ्याभासी है और जिसको परलोक का ख्याल नहीं, वो आदमी किसी भी पाप कर्म को कर सकता है।
नवे कदरिया देवलोकं वजन्ति बाला हवे नप संसंति दानं धीरो च दानं अनुमोदमानो तेनेव सो होति सुखी परथ। कंजूस लोग देवलोक नहीं जाते, मूर्ख लोग दान की प्रशंसा नहीं करते, धैर्यवान व्यक्ति दान अनुमोदन कर उसी कर्म से परलोक में सुखी होता है। पथव्या एकरज्येन सग्गस्स गमनेन वा सब्बलोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरम्। अकेले पृथ्वी का राजा होने से, स्वर्ग जाने से, सभी लोकों का अधिपति होने से भी अधिक श्रेष्ठ है सोतापत्ति फल। बुद्ध वग्गो, यस्त जितं नावजीयति जितं यस्सनो याति कोचि लोके तं बुद्धमनंत गोचरं अपदं केन पदेन निस्तथ। जिसकी जीत हार में परिणत नहीं हो सकती, जिसकी जीत को लोक में कोई नहीं पहुंच सकता, उस अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे। यस्स जालिनी विसत्तिका तन्ना नत्ति कुहिंचि नेतवे तं बुद्धमनंत गोचरं अपदं केन पदेन निस्तथ। जिसे जाल फैलाने वाली विषय रूपी तृष्णा लोक में कहीं भी नहीं ले जा सकती, उस अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे। ये झाण पसुता धीरा निखम उपसमेरता देवापि ते संपीहन्ति संबुद्धानं सतीमतं। जो धीरवान है, ध्यान में रत है, त्याग और उपशमन में लगे हैं, उन स्मृतिमान बुद्धों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छं मच्चानं जीवितं किच्छं सद्धम्म सवणं किच्छो बुद्धानमुपादो। मनुष्य योनि मुश्किल से मिलती है, मनुष्य जीवन मुश्किल से बना रहता है, सद्धम्म का सुनना मुश्किल से मिलता है और बुद्धों का जन्म मुश्किल से होता है। सब पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब प्रकार के पापों का न करना, कुशल कर्मों का संचय करना, चित्त को निरंतर परिशुद्ध करना, यही बुद्धों का शासन है। खन्ति परमं तपोतितिक्खा निब्बाणं परमं वदन्ति बुद्धा नहि पब्बजितो परूपघाती समणो होति परं विहेष्ठन्तो। शांति और सहनशीलता परम तप है। बुद्ध निर्वाण को परम श्रेष्ठ कहते हैं। दूसरे का घात करने वाला प्रव्रजित नहीं होता, दूसरे को पीड़ा ना देने वाला ही श्रवण होता है। अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्षे च संवरो मतयुता च भक्तस्मि अन्तं च शयनासनं अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान शासनं। किसी की निंदा न करना, किसी का घात न करना, भिक्षु नियमों का पालन करना, उचित मात्रा में भोजन करना, एकांत में सोना, बैठना, चित्त को योगाभ्यास में लगाना, यही है बुद्धों की शिक्षा। न कहा पणवस्सेन तिष्ठति कामेषु विज्जति अप्रसादा दुखा कामा इति वियाय पंडितो अपि दिव्येषु कामेषु रतिं सो नाधिगच्छति तन्न क्षयरतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। कारसा पणों की वर्षा होने से भी मनुष्य की कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। सभी काम भोग अल्प स्वाद वाले हैं, दुखद हैं। ये जानकर पंडित जन दिव्य काम भोगों में भी रति नहीं करते और सम्यक संबुद्ध का शिष्य कृष्णा के नाश करने में लगा रहता है। बहुं वे शरणं यन्ति
पब्बतानि वनानि च आराम रुख चेत्यानि मनुष्या भय तज्जिता मेतं को शरणं खेमं मेतं शरणमुत्तमं मेतं शरणमागम सब दुःखापमुच्यते। भय के मारे मनुष्य पर्वत वन उद्यान वृक्ष चैत्य आदि बहुत चीजों की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन ये शरण गमन कल्याण कर नहीं उत्तम नहीं। इन शरणों को ग्रहण करके कोई सारे के सारे दुख से मुक्त नहीं हो सकता। यो च बुद्धं च धम्मं च संगं च शरणं गतो चत्तारि अरिय सच्चानि सम्मुपैयाय पश्यति दुःखं दुःख समुत्पादं दुःखस्य च अतिक्रमं अर्यंत अष्टंगिकं मग्गं दुःखोपशमगामिनं एतं को शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमागम सब दुःखापमुच्यते। जो बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करता है, जो चार आर्य सत्यों को भली प्रकार प्रज्ञा से देखता है, दुख दुख की उत्पत्ति दुख का विनाश दुख का उपशमन करने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसका ये शरण गमन कल्याणकर है, यही उत्तम शरण है। इस शरण को ग्रहण करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। दुर्लभो पुरिषाजयो नसो सबत्थ जायति यत्थसो जायति धीरो तकुलं सुखमेधति। श्रेष्ठ पुरुष का जन्म दुर्लभ है, वो सब जगह पैदा नहीं होता। जिस कुल में वो धीर पैदा होता है उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। सुखो बुद्धानं उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघर्ष सामग्री समग्रानं तपो सुखो। बुद्धों का जन्म सुख कर है, सद्धम्म का उपदेश सुख कर है, संघ में एकता का होना सुखकर है, और सुखकर है मिलकर तप करना। पूजा रहे पूजय तो बुद्धे यदि व सावके पपंच समतिकंते तिन्न शोक परिद्धवे ते तादि से पूजय तो निबुते अकुतो भये न सक्का पुण्यं संखातुं इमेत्तमिति केनचित्। पूजनीय बुद्धों अथवा उनके शिष्यों जो संसार के प्रपंच से छूट गए हैं, जो शोक भय को पार कर गए हैं, उनकी पूजा करके या उनके जैसे मुक्त और निर्भय पुरुषों की पूजा करके उनके पुण्य के परिमाण को इतना है ऐसा करके कोई बता नहीं सकता। सुखवद्गो सुसुखं वत जीवाम वेरिनेषु अवेरिनो वेरिनेषु मनुष्येषु विहराम अवेरिनो। वैर करने वाले मनुष्यों में अवैरी बने रहकर हम सुख पूर्वक जीते हैं, वैरी मनुष्यों में हम अवैरी बनकर विचरते हैं। सुसुखं वत जीवाम आतुरेषु अनातुरा आतुरेषु मनुष्येषु विहराम अनातुरा। रोगी मनुष्यों में रोग रहित होकर हम सुख पूर्वक जीते हैं, रोगी मनुष्यों में हम स्वस्थ बने रहकर विहार करते हैं। सुसुखं वत जीवाम उत्सुकेषु अनुत्सुका उत्सुकेषु मनुष्येषु विहराम अनुत्सुका। आसक्त मनुष्यों में अनासक्त बने रहकर हम सुख पूर्वक जीते हैं, आसक्त मनुष्यों में हम अनासक्त बने रहकर विहार करते हैं। सुसुखं वत जीवाम एसं नत्थि किंचनं पीति भक्खा भविष्याम देवा आभस्सरायथा। जिन हम लोगों के पास कुछ नहीं अहो हम सुख पूर्वक जीते हैं, हम आभास्वर देवताओं की तरह
प्रीति का भोजन करके रहेंगे। जयं वैरं पसवति दुःखं सेति पराजितो उपसंतो सुखं सेति हित्वा जय पराजयं। जय से वैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है। जय पराजय दोनों को छोड़कर शांत मनुष्य सुखपूर्वक सोता है। नत्थि राग समो अग्नि नत्थि दोष समो कली नत्थि खंड समा दुखा नत्थि संति परं सुखं। राग के समान अग्नि नहीं, द्वेष के समान मल नहीं, पांच स्कंदों के समान दुख नहीं, शांति से बढ़कर सुख नहीं। जिगच्छा परमारोगा संखारा परमा दुखा एतं यत्वा यथा भूतं निर्वाणं परमं सुखं। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार परम दुख है, इस यथार्थ को जानने वाले को निर्वाण परम सुख है। आरोग्य परमालाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमायाति निर्वाणं परमं सुखं। आरोग्य परम लाभ है, संतुष्टि परम धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख। पविवेक रसं पित्वा रसं उपशमस्सच निद्दरो होति निपापो धम्म पीति रसं पिवं। एकांतवास तथा शांति के रस को पान कर आदमी निडर होता है और धम्म के प्रीति रस को पान कर होता है निष्पाप। साधु दर्शन मरियानं सन्निवासो सदा सुखो अदर्शनेन बालानं नित्यमेव सुखी सिया। सत्पुरुषों का दर्शन करना अच्छा है, सत्पुरुषों की संगति सुखकर है, मूर्खों का दर्शन न होने से ही आदमी सुखी रहता है। बाल संगत चारी ही दीघ मध्यान सोचति दुखो बाले ही संवासो अमित्ते नेव सबदा धीरो च सुख संवासो याति नव समागम। मूर्खों की संगति करने वाला दीर्घ काल तक शोक करता है। मूर्खों की संगति शत्रु की संगति की तरह सदा दुखदायी होती है और धैर्यवानों की संगति बंधुओं की संगति की तरह सुखदायी होती है। तस्माहि धीरं च पञ्यं च बहुसुतं च घोरयः शीलं वतवन्त मर्यं तं तादृशं सत्पुरुषं सुमेधं भजेत नखत पथं वचन्दिमा। इसलिए धीर प्राज्ञ बहुसुत उद्योगी वृति आय तथा सुबुद्ध सत्पुरुष की संगति करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पद का सेवन करता है। पियवर्गो अयोगे युञ्जमत्तानं योगस्मिं च अयोजयं अर्थं हित्वा पियग्गाहि तेहे तत्तानुयोगिनं। अपने को उचित कार्य में न लगा, अनुचित कार्य में लगा, सदर्थ को छोड़कर प्रिय के पीछे भागने वाले को आत्मानुयोगी की इच्छा करनी चाहिए। मा पियेहि समागच्छि अपियेहि कुदाचनं पियानं अदस्सनं दुःखं अपियानं तदस्सनं। प्रियों का साथ मत करो, अप्रियों का साथ भी न करो। प्रियों का दर्शन दुखद होता है, अप्रियों का दर्शन दुखद होता है। तस्मा पियं न कैराथ पिया पायो ही पापको गंथा ते संग न विज्जन्ति ए संग नत्थि पिया पियं। इसलिए किसी को प्रिय न बनाए, प्रिय का नाश बुरा लगता है, उसके दिल में गांठ नहीं होती, जिनके प्रिय अप्रिय नहीं होते। पियतो जायते शोको पियतो जायते भयं
यतो विप्रमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय। जो प्रिय से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। प्रेमतो जायते शोको, प्रेमतो जायते भयं, प्रेमतो विप्रमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय। जो प्रेम से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। रतिया जायते शोको, रतिया जायते भयं, रतिया विप्रमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। राग से शोक उत्पन्न होता है, राग से भय। जो राग से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। कामतो जायते शोको, कामतो जायते भयं, कामतो विप्रमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय। जो काम भोग से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। तन्नाय जायते शोको, तन्नाय जायते भयं, तन्नाय विप्रमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयं। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय। जो तृष्णा से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। शीलवस्तन संपन्नं धम्मठं सच्चिवादिनं अत्तनो कम्म कुब्बानं संजनो कुरुते पियं। जो शीलवान है, जो विद्वान है, जो धम्म में स्थिर है, जो सत्यवादी है, जो अपने काम को करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को लोग प्यार करते हैं। छंद जातो अनखातो मनसा च फुटोसिया कामेषु च अपटिबद्ध चित्तो उद्धं सोतोति उच्यते। जिसको निर्वाण की अभिलाषा है, जिसने उसे मन से स्पर्श कर लिया है, जिसका चित्त काम भोगों में संलग्न नहीं है, वो ऊर्ध्व स्रोत कहलाता है। चिरप्रवासी पुरिसं दुरतो सोत्थि मागतं न्यतिमित्ता सुहज्जा च अभिनन्दति आगतं तथेव कतपुञ्यमी अस्मा लोका परंगत पुञ्यानि पतिगृह्यन्ति पियं यातीव आगतं। चिरकाल तक विदेश में रहकर सकुशल लौटते पर जाति बंधु और मित्र उसका अभिनंदन करते हैं। उसी प्रकार पुण्यकर्मा पुरुष के इस लोक से परलोक जाने पर उसके पुण्य उसका स्वागत करते हैं, जैसे ज्ञाति बंधु अपने प्रिय व्यक्ति का। कोधवग्गो कोधं जहे विपजहे यमानं संयोजनं सर्वमतिक्रमेय तं नाम रूपस्मिं असज्जमानं अकिंचनं नानुपतन्ति दुःखा। क्रोध को छोड़ दें, अभिमान को छोड़ दें, सब बंधनों का अतिक्रमण कर जाए, ऐसे व्यक्ति को जो नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो परिग्रह से रहित है, दुख नहीं होता। यो वे उपतितं कोधं रथं भन्तं वधारये तमहं सारथी भूमि रश्मि गाहो इतरो जनो। जो आए हुए क्रोध को उसी तरह रोच ले जैसे कोई मार्ग भ्रष्ट रथ को। उस आदमी को मैं असली सारथी कहता हूँ, दूसरे लोग तो केवल रस्सी पकड़ने वाले भर हैं। अक्रोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं। क्रोध को अक्रोध से, बुराई को भलाई से, कंजूसपन को दान से और झूठ को सत्य से जीतो। सच्चं भणेन कुज्जेय
दज्जा तस्मिन्ति याचितो एते हि तीहि ठाने हि गच्छे देवान संति के। सत्य बोले, क्रोध ना करें, मांगने पर थोड़ा रहते भी दे। इन तीन बातों के करने से आदमी देवताओं के पास जाता है। अहिंसकाय मुनयो निच्छंकाय न संता ये यन्ति अच्युतं थानं यत्थ गन्त्वा न सोचरे। जो मुनिजन अहिंसक हैं, जो शरीर से सदा संयत हैं, वे उस अच्युत पद को प्राप्त होते हैं जहाँ जाने पर शोक नहीं होता। सदा जागरमानानं अहोरत्तान सिक्खिनं निब्बानं अधिमुक्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा। जो सदा जागरूक रहते हैं, जो रात दिन सीखने में लगे रहते हैं, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील हैं, उनके आश्रव अस्त हो जाते हैं। ओराण मेतं अतुल मेतं अज्यतनामिव निंदन्ति तुन्हिमासिनं निंदन्ति बहुभाणिनं मीतभाणिनं ति निंदन्ति नत्ति लोके अनिंदितो न चाहु न च भविष्यति न चेतरहि विद्यति एकंतं निंदितो कोसो एकंतं वापसंसितो। हे अतुल, ये बात पुरानी है, आज की नहीं। चुप बैठे रहने वाले की भी निंदा होती है, बहुत बोलने वाले की भी निंदा होती है, कम बोलने वाले की भी निंदा होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी निंदा ना होती हो। ऐसा आदमी जिसकी या तो बिल्कुल प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो या निंदा ही निंदा, न हुआ है न होगा। यंते वीणु प्रशंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे अच्छिद्ध उत्तिं मेधावी पय्याशील समाहितं नेखं जंबो नदस्येव कोतं निंदितुमरहति देवापितं प्रशंसन्ति ब्रह्मो नापि प्रशंसितो। जिस आदमी की प्रशंसा विज्ञ लोग सोच विचार कर प्रतिदिन करते हैं, उस दोष रहित मेधावी प्रज्ञाशील से युक्त जान बुनत की अशर्फी के समान आदमी की निंदा कौन कर सकता है। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा द्वारा भी वो प्रशंसित होता है। कायप कोपं रखेय कायेन संतोषिया काय दुश्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे। काय की चंचलता से बचो, काया का संयम रखो, शारीरिक दुश्चरित को छोड़कर शरीर से सदाचरण करो। वची प्रकोपं रखेय संतोषिया वची दुश्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे। वाणी की चंचलता से बचो, वाणी का संयम रखो, वाणी का दुष्चरित्र छोड़कर वाणी का सदाचरण करो। मनोपकोपं रखेय मनसा संतोषिया मनो दुष्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे। मन की चंचलता से विरत रहो, मन का संयम रखो, मन का दुष्चरित्र छोड़कर मानसिक सदाचरण का आचरण करो। कायेन संता धीरा अथो वाचाय संता मनसा संता धीरा सेवेषु परिसंता। जो काया से संयत हैं, जो वाणी से संयत हैं, जो मन से संयत हैं, वे ही अच्छी तरह से संयत कहे जा सकते हैं। मलवग्गो पंडुपलासो वदानिसि यम पुरिसापि च तं उपठिता वियोग मुखे च तिष्ठसि पाथेयम्पि च तेन विज्यति। इस समय तू पीले पत्ते के समान है, तेरे पास यमदूत आ खड़े हुए हैं, तेरे प्रयाण की तैयारी है और तेरे पास पाथेय भी नहीं है।
सो करो हि दीपमत्तनो क्षिपं वायं पंडितो भव निद्धन्तमलो अनंगणो दिव्यं अर्य भूमि में हिसी। इसलिए अपने को दीप बनाओ, जल्दी उद्योग करके पंडित बनो, मल रहित दोष रहित होकर तो दिव्य आर्य भूमि को प्राप्त करेगा। उपनीतवयो च दानिसी संपयातोसि यमस्य संति के वासोपि च नत्ति अंतरा पाथेयम्पि च तेन विज्यति। तेरी आयु समाप्त हो गई है तो यम के पास आ पहुंचा है, तेरे लिए रास्ते में निवास स्थान भी नहीं है और तेरे पास पाथेय भी नहीं है। सो करो हि दीपमत्तनो क्षिप वायम पंडितो भव निद्धन्त मलो अनंगणो न पुनं जाति जरं उपेहिसी। इसलिए अपने को दीप बनाओ, जल्दी उद्योग करके पंडित बनो, मन रहित दोष रहित होकर तू जन्म और बुढ़ापे के बंधन में नहीं पड़ेगा। अनुकुब्बेन मेधावी थोक थोकं खणे खणे कम्मारो रजतस्येव निद्धमे मलमत्तनो। जिस प्रकार सोनार चांदी के मल को दूर करता है उसी प्रकार मेधावी पुरुष प्रतिक्षण थोड़ा थोड़ा करके अपने दोषों को दूर करे। अयसाव मलं समुत्थितं तदुत्थाय तमेव खादति एवं अतिधोन चारिनं सानि कम्मानि नयन्ति दुग्गतिं। लोहे से उत्पन्न मोर्चा लोहे से पैदा होकर लोहे को ही खा डालता है, उसी प्रकार अति चंचल मनुष्य के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। असज्जाय मलामंता अनुत्थान मलाघरा मलंग वर्णस्य को सज्जं पमादो रखतो मलं। जाप नहीं करना मंत्रों का मल है, मरम्मत नहीं करना घरों का मल है, आलस्य शरीर के सौंदर्य का मल है और असावधानी पहरेदार का मल है। मलिथिया दुच्चरितं मच्छेरं ददतो मलं मलावे पापका धम्मा अस्मिन् लोके परमिच। दुष्चरित्र होना स्त्री का मल है, कंजूस होना दाता का मल है और पाप कर्म इस लोक परलोक में मल है। ततो मला मलतरं अविज्जा परमं मलं एतं मलं पहत्वान निम्मला होथ भिक्खवो। लेकिन इन सब मलों से बढ़कर है अविद्या, भिक्खुओं इस मल को छोड़कर निर्मल बनो। सुजीवं अहिरिकेन काकसूरेन धंसिना पखंडिना पगब्धेन संकिलिष्ठेन जीवितं। पाप के प्रति निर्लज्ज कौवे के समान छीनने में सूर परहित विनाशक पतित उत्संकर और मलिन बनकर जीवन व्यतीत करना आसान है। हिरिमता च दुर्जीवं निच्चं सुजिकवेशिना अलिनेन पगभेन शुद्धा जीवेन पश्यता। लेकिन पाप के प्रति लज्जाशील नित्य ही पवित्रता का विचार करते हुए आलस्य रहित उत्संकलता रहित शुद्ध आजीविका के साथ विचारवान बनकर जीवन व्यतीत करना कठिन है। यो पाणमति पातेति मूसावादं च भासति लोके अदिन्नं आदियति परदारं च गच्छति सुरा मेरय पानं च यो नरो अनुयुञ्जति इधेव मे स्वलोकस्मिं मूलं खनति अत्तनो। जो हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो परस्त्री गमन करता है और जो मद्यपान करता है वो आदमी यहीं इसी लोक में अपनी जड़ खोदता है। एवं भोपुरी स जाना ही पाप धम्मा असंयता मातं लोभो अधम्मो च चिरं दुखाय रंधयुं। हे पुरुष, इसलिए
ऐसा जानकर कि असंयत पापी होते हैं, तुझे लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में ना बांधे। ददाति वे यथा सद्धं यथा प्रसादनं जनो तत्थवो मंकु भवति परे संपान भोजने नसो दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति। लोग अपनी अपनी श्रद्धा और प्रसन्नता के अनुसार दान देते हैं। जो दूसरों के खाने पीने में असंतोष प्रकट करता है उसको न रात को शांति प्राप्त होती है न दिन को। यस्य चेतं समुच्छिन्नं मूलधत्सं समूहतं सवे दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति। लेकिन जिसमें ये भाव जड़ मूल से जाता रहा है वो रात को भी दिन को भी सदा शांति से रहता है। नत्ति राग समो अग्नि नत्ति दोष समो गहो नत्ति मोह समं जालं नत्ति तन्ना समानदि। राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान गृह नहीं, मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान नदी नहीं। सुदस्सं वज्जमये सं अत्तनोपनदुद्दसं परे सं हिसो वज्जानि ओपुणाति यथाभुसं अत्तनोपन छादेति कलिंग कितवासठो। दूसरों के दोष देखना आसान है, अपने दोष देखना कठिन। दूसरों के दोषों को जो भूसे की भांति उड़ाता है किंतु अपने दोषों को ऐसे ढकता है जैसे बेईमान जुवारी पासे को छुपाता है। परवज्जान पश्चिष निच्चं उज्जान संयिनो आसवातस्त वढ़न्ति आरासो आसवक्खया। दूसरों के ही दोष देखते फिरने वाले के सदा चिरते रहने वाले के आश्रव बढ़ते हैं, ऐसा आदमी आश्रवों के क्षय से दूर है। आकाशे पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे पपंचा विरता पजा निपपंचा तथा गता। आकाश में चिन्ह नहीं, श्रमण आर्य अष्टांग मार्ग के बाहर नहीं, लोग प्रपंच में लगे रहते हैं तथागत निष्प्रपंच हैं। आकाशे पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे संखारा सस्वता नत्थि नत्थि बुद्धा न मीतं। आकाश में चिन्ह नहीं, समण आर्य अष्टांग मार्ग के बाहर नहीं, संस्कार नित्य नहीं है और बुद्धों में अस्थिरता नहीं है। धम्मठ बग्गो न तेन होति धम्मठो एनत्थ सहसानये योच अर्थं अनर्थं च उभो निच्छेय पंडितो असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्तो मेधावी धम्मठोति पौच्यति। जो आदमी सहसा किसी बात का निश्चय कर दे वो धम्म स्थित नहीं कहलाता। जो पंडित जन अर्थ अनर्थ दोनों का अच्छी तरह से विचार कर धीरज के साथ निष्पक्ष होकर न्याय करता है वही मेधावी धम्म स्थित कहलाता है। न तेन पंडितो होति यावता बहुभाषति खेमी अवेरि अभयो पंडितो तिपउच्यति। बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं होता, जो क्षेमवान अवैरी और निर्भय होता है वही पंडित कहलाता है। नतावता धम्मधरो यावता बहुभाषति योच अपम्पि सत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। बहुत बोलने से कोई धर्मधर नहीं होता, थोड़ा भी सुनकर जो काया के अनुसार धम्म का आचरण करता है और जो धर्म में प्रमाद नहीं करता वही धम्मधर है। न तेन थेरो होति येन स फलितं शिरो
परिपक्को वयो तस्स मूख जिन्नोति उच्चति। सिर के बाल पकने से कोई स्थिर नहीं होता, उसकी आयु पकी रहती है, वो व्यर्थ में ही वृद्ध कहलाता है। यमि सच्चं च धम्मो च अहिंसा संयमो दमो सवे वंतमलो धीरो फेरोति पौच्यति। जिसमें सत्य धर्म अहिंसा संयम और दमन है, वही विगत मल धीर स्थिर कहलाता है। न वाकरण मत्तेन वन्न पोखरताय वा साधु रूपो नरो होती इस्तु की मच्छरी सठो यस्स चेतं समुच्छिन्नं मूलधच्चं समूहतं सवंत दोसो मेधावी साधु रूपोति उच्चति। यदि वो रिचालु मत्सरी और छठ हो तो वक्ता होने से यह सुंदर रूप होने से आदमी साधु रूप नहीं होता। जिस आदमी के ये दोष जड़ मूल से नष्ट हो गए हैं, जो दोष रहित है मेधावी है, वही साधु रूप कहलाता है। न मुंडकेण समनो अभदो अलिकं भणं इच्छा लाभ समापन्नो समनो किं भविष्यति योच समेति पापानि अनुठोलानि सब्बसो समितत्ता हि पापानं समनोति पौच्यति। जो व्रतहीन है, जो मिथ्याभाषी है, वो मुंडित शीश होने मात्र से समण नहीं होता। इच्छा लोभ से भरा मनुष्य क्या समण बनेगा? जो सब छोटे बड़े पापों का समन करता है, उसे पापों का समन करता होने के कारण समण कहते हैं। न तेन भिक्खु होती यावता भिक्खते परे विस्सं धम्मं समादाय भिक्खु होती न तावता। दुराचरण युक्त मनुष्य दूसरों से भिक्षा मांगने वाला होने मात्र से भिक्खु नहीं होता, न विषम धम्म को ग्रहण करने से भिक्खु होता है। योध पुण्यं च पापं च बाहित्वा ब्रह्मचर्य वा संखाय लोके चरति सवे भिक्खुति उच्यति। जो पुण्य और पाप से परे हो गया है, जो ब्रह्मचारी है, जो ज्ञान पूर्वक लोक में विहरता है, वो भिक्खु है। न मौनेन मुनि होती मूढ हरूपो विद्वसु योच तुलं पग्गैः वरमादाय पंडितो पापानि परिवज्जेति स मुनि तेन सो मुनि यो मुनाति उभो लोके मुनि तेन पौच्यति। मूढ़ और अविद्वान केवल मौन रहने से मुनि नहीं होता। जो पंडित तुला की भांति तोल कर उत्तम तत्व को ग्रहण कर पापों को त्यागता है, वही असली मुनि है। जो दोनों लोकों का मनन करता है, वो मुनि होता है। न तेन अर्यो होती येन पाणानि हिंसति अहिंसा सब पाणानं अर्योति पौच्यति। प्राणियों की हिंसा करने से कोई आदमी आर्य नहीं होता। जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वही आर्य होता है। न सीलब्बत मत्तेन बाहु सच्चेन वापन अथवा समाधि लाभेन विवित्त शयनेन वा पुसामि नेखम सुखं अपुथु जन सेवितं भिक्खु विश्वासमापादि अपत्तो आसवक्खयं। भिक्षुओं, सीलवान होने से, व्रति होने से, बहुत सुख होने से, समाधि लाभी होने से या एकांतवासी होने मात्र से ये विश्वास मत कर लो कि मैं सामान्य जनों से असेवित निष्क्रम सुख का आनंद ले रहा हूँ। जब तक आश्रव क्षय न कर लो तब तक चैन न लो। मग्ग बग्गो मग्गानं अठंगिको सेठो सच्चानं चतुरोपदा विरागो सेठो धम्मानं विपदानं च चक्खुमा। मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यों में चार आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं,
धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और चक्षुमान बुद्ध श्रेष्ठ है। एसु मग्गो नत्थयो दस्सनस्स विशुद्धिया एतं तुम्हें पतिपज्जथ मारस्येतं पमोहनं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग है, दूसरा नहीं। भिक्षुओं, तुम इसी रास्ते पर चलो, ये मार्ग को मूर्छित करने वाला है। एतं हि तुम्हें पट्टिपन्ना दुख संतं करिष्यथ अखातो वे मया मग्गो अय्याय सल्लकंतनं। इस मार्ग पर चलने से तुम दुख का अंत कर सकोगे। संसार दुख को स्वयं शल्य समान जानकर मैंने ये मार्ग कहा है। तुम्हें ही किच्चं आतपं अखातारो तथागता पट्टिपन्ना पमोखन्ति झाइनो मार बंधना। कृत्य तुम्हें ही करना है, तथागत तो केवल मार्ग बताने वाले हैं। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान करने वाले मार बंधन से मुक्त होंगे। सबे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार अनित्य हैं। जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है तभी उसे संसार से विराग होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है। सबे संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार दुख हैं। जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है तभी उसे संसार से विराग पैदा होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है। सबे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिन्दति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। सभी धम्म अनात्म है। जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है तभी उसे संसार से विराग होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है। उत्थान कालम अनुठहानो युवा बलि आलस्यं उपेतो संसन्न संकप्प मनो कुसितो पय्याय मग्गं अलसो न विन्दति। जो उद्योग नहीं करता, युवा और बलि होकर भी आलस्य से युक्त है, जिसका मन व्यर्थ के संकल्पों से भरा है, ऐसा आलसी आदमी प्रज्ञा के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता। वाचानुरक्षि मनसा सुसंतो कायेन च अकुशलं न कैरा एते तयो कम्मपथे विशोधये आराधये मग्गमिषिप्पवेदितं। जो वाणी की रक्षा करता है, जो मन से संयमी है, जो शरीर से पाप कर्म नहीं करता, जो इन तीनों कर्मेंद्रियों को शुद्ध रखता है, वही बुद्ध के बतलाए धम्म का सेवन कर सकता है। योगा विजायति भूरी अयोगा भूरी संखयो एतं देधा पतंग्यत्वा भवाय विभवाय च तथत्तानं निवेशेय यथा भूरी पवंधति। योग अभ्यास से ज्ञान बढ़ता है, योग ना करने से ज्ञान का क्षय होता है। उत्पत्ति और विनाश के दो प्रकार के मार्ग को जानकर अपने आप को वैसा रखे जिससे ज्ञान की वृद्धि हो। वनं सिंधत मारुखं वनतो जायति भयं छेत्वा वनं च वनथं च निबनाहोथ भिक्खवे। वन को काटो, वृक्ष को मत काटो, भय वन से पैदा होता है। हे भिक्खुओं, वन और झाड़ी को काटकर निर्वाण को प्राप्त करो। यावं हि वनतो न छिज्यति अनुमत्तोपि नरस्वप्नारिषु पतिबद्ध मनोवतावसो वच्छो क्षीरपकोव मातरी। जब तक स्त्री में पुरुष की अणु मात्र भी कामना बनी रहती है तब तक वो वैसे ही बंधा रहता है जैसे दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माँ से।
उच्छिन्द स्नेह मत्तनो कुमुदं सारदिक वपानिना संति मग्गमेव ब्रूह निब्बानं सुगतेन देशितं। जिस तरह अपने हाथ से शरद ऋतु के कुमुद के फूल को तोड़ा जाता है, उसी तरह अपने हृदय से स्नेह का उच्छेद कर दो और सुगत द्वारा उपदिष्ट शांति मार्ग निर्वाण का अनुसरण करो। इध वस्त वसिष्ठामि इध हेमंत गिम्मिषु इति बालो विचिन्तेति अंतरायं न बुझ्यति। यहाँ वर्षा वास करूँगा, यहाँ हेमंत वास करूँगा, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में रहूँगा, मूर्ख इस प्रकार सोचता है, विघ्न को नहीं देखता। तं पुत्तपस्सु सम्मतं व्यासत्त मनसं नरं सुत्तं गामं महोगोव मच्चु आदाय गच्छति। पुत्र और पशु में आसक्त चित्त मनुष्य को मृत्यु वैसे ही ले जाती है जैसे सोते हुए गांव को नदी की बाढ़ बहा ले जाती है। न संति पुत्ता तानाय पिता नापि बंधवा अंत केनाधिपन्नस्स नत्थि याति सुतानका। न पुत्र रक्षा कर सकते हैं, न पिता, न रिश्तेदार। जब मृत्यु पकड़ती है तो रिश्तेदार नहीं बचा सकते। एतमत्थव संयत्वा पंडितो शीलसंतो निब्बान गमनं मग्गं क्षिप्रमेव विसूधे। इस बात को जानकर शीलवान पंडित जन को चाहिए कि निर्वाण की ओर जाने वाले मार्ग को शीघ्र साफ करे। फकीर्णक वग्गो मत्ता सुख परिचागा पश्येच विपुलं सुखं सजे मत्ता सुखं धीरो संपस्सं विपुलं सुखं। थोड़े से सुख के परित्याग से यदि बहुत सुख की प्राप्ति दिखाई दे तो बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि बहुत सुख का ख्याल करके थोड़े सुख का परित्याग कर दे। पर दुख उपधानेन यो अत्तानो सुखमिच्छति वेर संसग संसठो वेरासो न परिमुच्यति। दूसरे को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है, वैर के संसर्ग में आया हुआ वो वैर से मुक्त नहीं होता। यं हि किच्चं तदपविद्धं अकिच्चं पनकैरति उन्नानं पमत्तानं तेसं वंधन्ति आसवा। जो कर्तव्य है उसे ना करने वाले, जो अकर्तव्य है उसे करने वाले मल युक्त प्रमाणी जनों के आश्रव बढ़ते रहते हैं। एसं च सुसमारब्धा निच्चं कायगता सती अकिच्चं तेन सेवन्ति किच्चे सातच्च कारिनो सतानं संपजानानं अत्थं गच्छन्ति आसवा। जिनकी काया अनुस्मृति नित्य उपस्थित है वो कर्तव्य को नहीं करते, कर्तव्य को निरंतर करते हैं। ऐसे स्मृतिमान और सचेत लोगों के आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं। मातरं पितरं हन्त्वा राजानु द्वेच खत्ये रक्तं सानुचरं हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। तृष्णा, अहंकार, आत्मदृष्टि, उच्छेद दृष्टि, राग और पांच उपादान स्कंद का हनन करके ब्राह्मण निष्पाप होता है। मातरं पितरं हन्त्वा राजानु द्वेच सोत्थिये वेयग्ध पंचमं हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। तृष्णा, अहंकार, आत्मदृष्टि तथा उच्छेद दृष्टि और ज्ञान के पांच आवरणों का हनन करके ब्राह्मण निष्पाप होता है। सुप्पबुद्धं पबुच्छन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो च निच्चं बुद्धगता सती। जिनकी दिन रात बुद्धानुस्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुच्छन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तो च निच्चं धम्मगता सती। जिनकी दिन रात
धम्म स्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं संघगता सती। जिनकी दिन रात संघ स्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं कायगता सती। जिनकी दिन रात काया स्मृति बनी रहती है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पमुझ्यन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरतोच अहिंसाय रतो मना। जिनका मन दिन रात अहिंसा में रत रहता है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। सुप्पबुद्धं पबुझ्यन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरतोच भावनाय रतो मनो। जिनका मन दिन रात योगाभ्यास में लगा रहता है, गौतम बुद्ध के वो शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। दुप्प बज्जं दुरभिरमं दूरवासा घरा दुखा दुखो समान संवासो दुखानुपतिच्चद्धगु तस्मानच अद्धगु सियानच दुखानुपतितो सिया। प्रवज्जा में रत होना दुष्कर है, गृहस्थी में रहना दुखकर है, असमान लोगों के साथ रहना दुखकर है, आवागमन में पड़ना भी दुखकर है, इसलिए न मार्ग में पड़े न दुख में गिरे। सद्धो सीलेन संपन्नो यशो भोग समप्पितो यं यं पदेशं भजति तत्थ तत्थेव पूजितो। जो श्रद्धावान है, जो शीलाचारी है, जो यशस्वी है, जो संपत्तिशाली है, वो जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं सत्कार पाता है। दूरे संतो पकासेंति हिमवंतो पब्बतो असंतेथ न दिशंति रत्ति खित्ता यथा सरा। सत्पुरुष हिमालय पर्वत की तरह दूर से प्रकाशित होते हैं, असत्पुरुष रात में फेंके बाण की तरह दिखाई नहीं देते। एकासनं एकसेयं एको चरम तंगितो एको दमय अत्तानं वनंतेरमतो सिया। एक आसन एक शैया वाला आलस्य रहित हो, अकेला विचरने वाला, अपने आप को अकेला दमन करने वाला वन में आनंद से रहता है। निरय वग्गो अभूतवादे निरयं उपेति यो चापि कत्वा न करोमिति चाह उभोऽपि चेपेच्च समाभवन्ति निहीन कम्मा मनुजा परथ। असत्यवादी नरक में जाता है, जो करके नहीं किया कहता है वो भी नरक में जाता है, दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मरकर बराबर हो जाते हैं। कासावकंठा बहवो पाप धम्मा असंयता पापा पापे ही कम्मे ही निरयंते उपपज्जरे। कंठ में कासाए वस्त्र डाले कितने ही असंयमी पापी हैं, वो पापी अपने पाप कर्मों के कारण नरक में उत्पन्न होते हैं। सेयो अयोगुणो भुत्तो तत्तो अग्नि सिखूपमो यंते भुंजे दुशीलो रट्ट पिंडं असंयतो। दुराचारी हो, असंयमी हो, देश का अन्न खाने से अग्नि शिखा के समान सप्त लोहे का गोला निगलना अच्छा है। चत्तारि थानानि नरोपमत्तो आपज्जति परदारूप सेवि अपुञ्य लाभम न निकामसेय निंदं ततियं निरयं चतुत्थं। अपुञ्य लाभो च गति च पापिका भीतस्य भीताय रति च थोकिका राजा च दण्डं गरुकं पणेति तस्मान्नरो परदारं न सेवे। प्रमादी परित्रिगामी मनुष्य की चार गतियाँ होती हैं, अपुण्य लाभ, सुख से निद्रा का न आना,
निंदा और नरक अथवा अपुण्य लाभ, दुर्गति, भयभीत पुरुष की भयभीत स्त्री से अत्यल्प रति, राजा का भारी सजा देना, इसलिए मनुष्य पर स्त्री गमन ना करे। कुसो यथा दुग्गहितो हत्थमेवानुकंतति फामं च दुःपरामट्टं निरयाय उपकड्ढति। जिस प्रकार कुश यदि ठीक से धारण ना किया जाए तो हाथ को छेद देता है, उसी प्रकार संन्यास श्रमणत्व यदि ठीक से धारण ना किया जाए तो नरक में ले जाता है। यं किंचि शिथिलं कम्मं संकिलिष्ठ चयं वतं संकस्तरं ब्रह्मचर्यं नतं होति महफलं। जो कार्य शिथिल है, जो व्रत मलयुक्त है, जो ब्रह्मचर्य अशुद्ध है, उसका महान फल नहीं होता। कैराच कैराथेन दहमेन परक्कमे शिथिलो हि परिबाजो धियो आकिरते रजन। यदि किसी काम को करना है तो करे, उसमें दृढ़ पराक्रम के साथ जुट जाए। ढीला ढाला सन्यासी अधिक धूल उड़ाता है। अकतं दुःखतं सेयो पच्छातपति दुःखतं कतं च सुकतं सेयो यं कत्वा नानुतपति। पाप का न करना अच्छा है, पाप करने वाले को अनुताप होता है। शुभ कर्म करना अच्छा है, शुभ कर्म करने वाले को अनुताप नहीं होता। नगरं यथा पच्यन्तं गुत्तं संतर बाहिरं एवं गोपेच अत्तानं खणो वेमा उपच्चगा खणातीता हि सोचन्ति निरयं हि समपिता। जैसे सीमांत देश का नगर अंदर बाहर से सुरक्षित होता है, उसी तरह अपनी भी रक्षा करे, एक भी क्षण जाने न दे। समय हाथ से चले जाने पर नरक में पड़कर शोक करना होता है। अलज्जिताय लज्जन्ति लज्जितायेन लज्जये मिथ्या दिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। अलज्जा के काम में जो लज्जा करते हैं, लज्जा के काम में जो निर्लज्ज होते हैं, ऐसे मिथ्या धारणा वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभयेच भयदस्सिनो भयेच अभयदस्सिनो मिथ्या दिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। अभय के स्थान पर जो भय करते हैं, भय के स्थान पर जो भय रहित रहते हैं, ऐसी मिथ्या धारणा वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अवज्जे वज्जमतिनो वज्जे च वज्जदस्सिनो मिथ्या दिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। अदोष को जो दोष की तरह समझते हैं, दोष को जो अदोष की तरह समझते हैं, ऐसी मिथ्या धारणा वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वज्जं च वज्जतो यत्वा अवज्जं च अवज्जतो सम्मा दिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति सुगति। जो दोष को दोष के रूप में देखते हैं, अदोष को अदोष के रूप में देखते हैं, ऐसी सम्यक दृष्टि वाले प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। नागवग्गो। अहं नागो वसंगामि चापतो पतितं शरं अतिवाक्यं तितिक्षिसं दुःशीलो हि बहुजनो। जैसे युद्ध में हाथी धनुष से गिरे बाण को सहन करता है, वैसे ही मैं कटु वचनों को कहूंगा, क्योंकि संसार में दुर्जन ही ज्यादा है। दंतं नयन्ति समितिं दंतं राजा भिरुहति दंतो सेठो मनुष्येषु योति वाक्यं तितिक्षति। प्रशिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाते हैं, प्रशिक्षित हाथी पर राजा सवारी करता है। मनुष्यों में शिक्षित मनुष्य ही श्रेष्ठ है, जो कटु वाक्यों को सह सकता है। वरं अस्तरा दंता आजानिया च सिंधवा कुंयराच महानागा अत्तदंतो ततो वरं। खच्चर आजानिये
सिंधी घोड़े और महानाग हाथी शिक्षित हो तो श्रेष्ठ है, आदमी शिक्षित हो तो इन सबसे श्रेष्ठ है। नहीं एते याने ही गच्छे अगतं विसं यथा तना सुदंतेन दंतो दंतेन गच्छति। इन घोड़े गाड़ी आदि वाहनों से कोई निर्वाण तो नहीं जा सकता जैसे अभ्यासी स्वयं जा सकता है। शिक्षित मनुष्य संयम इंद्रियों द्वारा निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। धनपालको नाम कुंजरो कटुकप्प भेदनो दुन्निवारियो बद्धो कवलंग भुंजति सुमिरति नागवनस्स कुंजरो। सेना को तितर बितर कर देने वाला धनपालक नाम का दुर्धर्ष हाथी आज बंधन में बंधा होने से कवल नहीं खाता, अपने हाथियों के जंगल की याद करता है। निधि यथा होती महघसो निदायता संपरिवत्तसाय महावराहो व निवाप पुत्थो पुनः पुनं गभमुपेति मंदो। जो आलसी बहुत खाने वाला निद्रालु करवट बदल बदल कर सोने वाला दाना खाकर पले मोटे सुअर की भांति होता है वो मंद गति बार बार गर्भ में पड़ता है। इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं केनिच्छकं यत्थ कामं यथा सुखं तदज्जहं निगहेस्तामि योनिसो हत्थिप भिन्नं विय अंकुसग्गहो। पहले ये चित्त जहाँ इसकी इच्छा हुई यथा काम यथा सुख विचरण किया किया, लेकिन आज मैं इसे अच्छी तरह से काबू में करूँगा जैसे महावत मत हाथी को काबू में करता है। अपमादरता होथ सचित्त मनुरखत दुग्गा उद्धरथत्तानं पंके सत्तो व कुंजरो। जागरूक रहो, अपने मन को संभाल कर रखो, पंख में फंसे हाथी की तरह अपने आप को राग आदि के गढ़े से निकालो। सचे लभेत निपकं सहायं सद्धिं करं साधु विहारी धीरं अभिभूय सब्बानि परिश्रयानि चरेयतेन तमनो सतिमा। यदि परिपक्व बुद्धि सच्चरित्र साथी मिले तो सब विघ्नों को हटाकर सचेत प्रसन्न चित्त हो उसके साथ विहार करो। नोते लभेत निपकं सहायं सद्धिं करं साधु विहारी धीरं राजा व रक्षं विजितं पहाय एको चरे मातंग रंजेव नागो। लेकिन यदि परिपक्व बुद्धि सच्चरित्र साथी ना मिले तो जैसे पराजित राष्ट्र को छोड़कर राजा या जंगल में हाथी अकेले विचरता है उसी तरह अकेला विचरण करो। एकस्य चरितं सेयो नत्ति बाले सहायता एको चरे न च पापानि कैरा अप्पो सुक्को मातंग रयेव नागो। अकेले विचरणा अच्छा है, मूर्ख की मित्रता अच्छी नहीं। अनासक्त मातंग राज हाथी की भांति अकेला विचरण करे, पाप न करे। अथम्मि जातम्मि सुखा सहाया तुट्टि सुखाया इतरितरेन पुय्यं सुखं जीवित संखयम्मि सब्बस्स दुःखस्स सुखं पहाणं। काम पड़ने पर मित्र सुखकर है, जिस जिस चीज से संतुष्ट रहना सुखकर है, जीवन के क्षय होने के समय पुण्य सुखकर है, लेकिन सबसे बढ़कर सुखकर है सारे दुखों का नाश। सुखा मत्ते यता लोके अथो पेते यता सुखा सुखा सामय यता लोके अथो ब्रह्म यता सुखा। संसार में माँ की सेवा सुखकर है, सुखकर है पिता की सेवा। संसार में श्रमणत्व सुखकर है और सुखकर है निष्पाप होना। सुखं याव जराशीलं सुखा सद्धा पतिस्थिता सुखो पय्याय पतिलाभो
पापानं अकरणं सुखं। वृद्धावस्था तक सदाचारी रहना सुखकर है, स्थिर श्रद्धा सुखकर है, प्रज्ञा की प्राप्ति सुखकर है और सुखकर है पापों का ना करना। कन्हावग्गो मनुजस्त पमत्तचारिणो कन्हा वढ्ढति मालुआविय सुप्लवति हुराहुरं फलमिच्छं वनस्सिंह वानरो। प्रमादी मनुष्य की तृष्णा मालुवा लता की भांति बढ़ती है, फल की इच्छा करता हुआ वो वन में बानर की तरह दिनों दिन भटकता है। यं एषा सहती जम्मी कन्हा लोके विसत्तिका शोकातस्त पवड्ढंती अभिवड्ढं वीरणं। जिसे ये बराबर जन्मते रहने वाली विष रूपी तृष्णा पकड़ती है, वर्धनशील वीरण की भांति उसके शोक बढ़ते हैं। यो चेतं सहती जम्मी तन्नं लोके दुरच्छयं शोका तम्हा पपत्तन्ति उदविन्तु वपोखरा। जो इस बराबर जन्मते रहने वाली दुर्जय तृष्णा को जीत लेता है, उसके शोक वैसे ही गिर जाते हैं जैसे कमल के पत्ते से पानी की बूंदें गिर जाती हैं। संग वो वदामि भद्रं वो यावन्ते तथ समागता तन्हाय मूलं खणथ उसीरत्थो वीरणं। इसलिए जितने यहाँ आए हों तुम्हें कहता हूँ तुम्हारा मंगल हो। जिस प्रकार खत का चाहने वाला वीरण घास को उखाड़ता है, उसी प्रकार तुम तृष्णा को जड़ से खोद दो। यथापि मूले अनुपद्दवेदवे छिन्नोपि रुखो पुनरेव रुहति एवं तन्नान स्वये अनुहते निपत्तति दुःखमिदं पुनः पुनः। जिस प्रकार जब तक जड़ पूरी तरह उखड़ नहीं जाती तब तक कटा हुआ वृक्ष भी बार बार उग आता है, उसी प्रकार जब तक तृष्णा रूपी अनुशय पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते तब तक बार बार दुख पैदा होता रहता है। यस्य छत्तिं सती सोता मना पस्य वनाहुता बाहा वहन्ति दुद्दिष्टिं स संकप्पा राग निश्चिता। जिस आदमी के 36 स्रोत मन को अच्छी लगने वाली चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हों, उन मिथ्या धारणा वाले आदमी को उसके रागा से संकल्प बहा कर ले जाते हैं। सवंति सबरी सोता लता उभिच्छ तिष्ठति तंत दिश्वा लतं जातं मूलं पय्याय छिन्धत। स्रोत चारों ओर बहते हैं, लता अंकुरित रहती है, उस तृष्णा रूपी लता को उत्पन्न हुआ देखकर प्रज्ञा से उसकी जड़ को काट डालो। सरितानि स्नेहितानि च सोमनस्तानि भवन्ति जन्तुनो ते सोतसिता सुखेसिनो देवे जाति जरूप गानरा। स्नेह रूपी नदियाँ प्राणियों के चित्त को अच्छी लगती हैं। इन नदियों के बंधन में बंधे नर भोगों को खोजते हैं और जन्म तथा जरा के फेर में जा पड़ते हैं। तसिनाय पुरखता पजा परिसप्पन्ति ससो बाधितो संयोजन संख सत्तका दुख मुपेन्ति पुनः पुनंकिराय। तृष्णा के पीछे लगे प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं, संयोजनों में फंसे नर चिर काल तक बार बार दुख पाते हैं। तसिनाय पुरखता पजा परिसप्पन्ति ससो बाधितो तस्मात् तसिनं विनोदये भिक्खु आकंखो विरागमत्तनो। तृष्णा के पीछे लगे प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं, इसलिए अनासक्त होने की इच्छा रखने वाला भिक्खु तृष्णा को दूर करे। यो निबनथो वनाधिमुक्तो वनमुक्तो वनमेव धावति तं पुग्गलमेव पश्यथ मुक्तो बंधनमेव धावति। जो निर्वाणार्थी तृष्णा से मुक्त हो, अच्छी प्रकार मुक्त हो, फिर तृष्णा की ही ओर दौड़ता है, उस आदमी को ऐसा जानो जैसे कोई बंधन से मुक्त होकर फिर बंधन की ओर भागता है।
नतं दहं बंधन माहुधीरा यदायसं दारुजग बब्बजय तारत्तरत्ता मणिकुंडलेषु पुत्तेषु दारेषु च य अपेक्षा। ये जो लोहे लकड़ी या रस्सी के बंधन हैं, इन्हें धीर जन बंधन नहीं कहते। असली बंधन तो है धन में अनुरक्ति, पुत्र तथा स्त्री में अनुरक्ति। एतं दहं बंधन माहुधीरा ओहारिनं शिथिलं दुःखमुच्चं एतं छेत्वान परिभजन्ति अनपेक्षिनो काम सुखं पहाय। इन्हीं बंधनों को धीर जन पतनोन्मुख, शिथिल और दुष्छाज्य बंधन कहते हैं। इन्हें विच्छेद अपेक्षा रहित हो काम सुख छोड़कर प्रभजित होते हैं। ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं स्वयं कतं मक्कट कोवजालं एतं पिछेत्वान वजन्ति धीरा अनपेक्षिनो सब दुःखं पहाय। जो राग में रक्त है वो मकड़ी के अपने बनाए जाले की तरह प्रवाह में फंस जाते हैं। धीर जन इसे भी छेद कर अपेक्षा रहित हो सब दुखों को छोड़ प्रवजित होते हैं। मुंच पुरंग मुंच पच्छतो मध्ये मुंच भवस्म पारगु सबत्थ विमुक्त मानसो न पुन जाति जरं उपेहिसि। पूर्व वर्तमान तथा भविष्य के बंधन को छोड़कर संसार सागर के पार हो जा। सब ओर से मन को मुक्त कर लेने वाला जन्म जरा को प्राप्त नहीं होता। वितक्क पमथितस्स जंतुनो तिब्बरागस्स शुभानुपस्सिनो धियो तन्ना पवद्धति एषको दहं करोति बंधनं। जिसके मन में बहुत संकल्प विकल्प उठते हैं, जिसके मन में तीव्र राग है, जो शुभ ही शुभ देखता है उसकी तृष्णा बढ़ती है, वो अपने बंधन को और भी दृढ़ करता है। वितक कूप समेचयो रतो अशुभं भावयति सदा रतो एषको व्यंतिकाहिनी एष छेद्यति मार बंधनम्। जो संकल्प विकल्प को शांत करने में लगा है, जो जागरूक रहकर सदा अशुभ को देखता है, वो मार के बंधन को काटेगा, वही उसे नष्ट करेगा। निठंगतो असंतासि विततन्नो अनंगणो उच्छिज्य भवसल्लानि अंतिमोयं समुस्तयो। जिसका कार्य समाप्त हो गया, जो त्रास रहित है, जो तृष्णा रहित है, जो मल रहित है, वही संसार रूपी शल्य को काटेगा, ये उसका अंतिम जन्म है। विततन्नो अनादानो निरुत्ति पदको विदो अक्षरानं सन्निपातं जय्या पुब्ब परानि च सवे अंतिम शरीरो महापयोति उच्चति। जो तृष्णा रहित है, जो परिग्रह रहित है, जो भाषा और काव्य को जानता है, जो व्याकरण को जानता है, वो निश्चय से अंतिम शरीर वाला तथा महाप्राज्ञ है। सब्बाभिभू सब्ब विदुहमस्मि सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितो सब्बंजयो तन्नखे विमुक्तो स्वयं अभिन्यायकमुद्दिशेयं। मैंने सबको परास्त किया है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब धम्मों के अस्तित्व से अलिप्त हूँ, मैं सर्वस्व त्यागी हूँ, मैंने तृष्णा का क्षय किया है, मैं विमुक्त हूँ। स्वयं ज्ञान प्राप्त करके मैं किसे अपना गुरु बताऊँ। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति सब्बं रसं धम्म रसो जिनाति सब्बं रतिं धम्म रति जिनाति तन्नखयो सब्ब दुःखं जिनाति। धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है, धम्म का रस सब रसों से बढ़कर है, धम्म रति सब रतियों से बढ़कर है, तृष्णा का क्षय सब दुख क्षयों से बढ़कर है। हनन्ति भोगा दुम्मेधं नोचे पारगवेशिनो भोग तन्नाय दुम्मेधो हन्ति अयेव अत्तनं। भोग दुर्बुद्धि पुरुष को नष्ट कर डालते हैं यदि वो पार जाने की कोशिश नहीं करता।
भोग की तृष्णा में पड़कर दुर्बुद्धि पराये की भांति अपने को मार डालता है। तृण दोषानि खेतानि राग दोषा अयं प्रजा तस्माहि वीतरागेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है राग, इसलिए वीतराग मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। तिन्न दोषानि खेतानि दोष दोषा अयं प्रजा तस्माहि वीत दोषेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है द्वेष, इसलिए द्वेष रहित मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। तिन दोषानि खेतानि मोह दोषा अयं प्रजा तस्माहि वीत मोहेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है मोह, इसलिए मूर्ता रहित मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। तिन दोषानि खेतानि इच्छा दोषा अयं प्रजा तस्माहि विगतिच्छेषु दिन्नं होति महफलं। खेतों का दोष है तृण, मनुष्यों का दोष है इच्छा करना, इसलिए इच्छा रहित मनुष्यों को दिया गया दान महान फल देता है। भिक्षु वग्गो चक्षुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो घाणेन संवरो साधु साधु जुहाय संवरो। आंख का संयम करना अच्छा है, कान का संयम करना अच्छा है, नाक का संयम अच्छा है, जिह्वा का संयम अच्छा है। कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो मनसा संवरो साधु साधु सबत्थ संवरो सबत्थ संवुतो भिक्खु सब दुखापमुच्यति। शरीर का संयम करना अच्छा है, वाणी का संयम करना अच्छा है, मन का संयम करना अच्छा है, सब इंद्रियों को संयम करने वाला भिक्खु सब दुखों से मुक्त होता है। हस्त संयतो पाद संयतो वाचाय संयतो संयतुत्तमो अज्जत्थरतो समाहितो एको संतुषितो तमाहु भिक्खु। जो हाथ पांव और वाणी से संयत है, जो उत्तम संयमी है, जो अपने में रत है, जो समाधि युक्त है, जो अकेला रहता है, जो संतुष्ट है, उसे भिक्खु कहते हैं। यो मुख संयतो भिक्खु मंत भाणी अनुद्धतो अर्थं धम्मं च दीपेति मधुरं तस्स भासितं। जो वाणी का संयमी है, जो मनन करके बोलता है, जो उद्धत नहीं होता, जो अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उसका भाषण मधुर होता है। धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं धम्मं अनुसरं भिक्खु सद्धम्मान परिहायति। धम्म में रमण करने वाला, धम्म में रत रहने वाला, धम्म का चिंतन करने वाला, धम्म का अनुसरण करने वाला भिक्खु सच्चे धम्म से च्युत नहीं होता। सलाभं नाति मयेय नायेष पिहयं चरे अयेषं पिहयं भिक्खु समाधिं नाधिगच्छति। अपने लाभ की अवहेलना न करे और न दूसरों के लाभ की स्पृहा। दूसरे के लाभ की स्पृहा करने वाला भिक्खु चित्त की एकाग्रता को प्राप्त नहीं करता। अप्पलाभो पिचे भिक्खु सलाभं नाति मन्यति संवे देवा प्रशंसन्ति शुद्धा जीविं अतन्वितं। चाहे लाभ थोड़ा ही हो, यदि भिक्खु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता तो वो शुद्ध आजीविका वाले आलस्य रहित भिक्खु की देवता भी प्रशंसा करते हैं। सब्बसो नाम रूपस्मिं यस्य नत्थि ममाहितं असताचन सोचति सवे भिक्खुति उच्यति। सारे नाम रूप जगत में
जिसका कुछ भी ममत्व नहीं है, जो किसी वस्तु के न रहने पर शोक नहीं करता, वही भिक्खु कहलाता है। मेत्ता विहारियो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं संतं संकारूप समं सुखं। मैत्री भावना से विहार करता हुआ जो भिक्खु बुद्ध के उपदेश में श्रद्धावान है, वो सभी संस्कारों के समन सुख स्वरूप शांत पद को प्राप्त करता है। सिंच भिक्खु इमं नावं सित्ताते लहु में सति छेत्वा रागं च दोषं च ततो निर्वाण मेहिसि। भिक्खु इस नाव को उलीचो, उलीचने से ये नाव तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी, राग और द्वेष को छेद कर तुम निर्वाण को प्राप्त करोगे। पंच छिंदे पंच जहे पंचोत्तरी भावये पंच संगाति गो भिक्खु ओघ तिन्नोति उच्चति। जो पांच को छेदे, पांच को छोड़े, पांच की भावना करे और पांच के संसर्ग को लांघ जाए, वो भिक्खु बाण से उत्तीर्ण कहा जाता है। झाय भिक्खु मा च पमादो माते काम गुणे भमस चित्तं मा लोह गुलं गिली पमत्तो मा कंदे दुख मिदंति दह्यमानो। भिक्खु ध्यान करो, प्रमाद मत करो, देखो तेरा चित्त भोगों के चक्कर में न फंसे, प्रमत्त होकर लोहे के गोले को न निगलो, ये दुख है, जलते हुए चिल्लाकर तुझे रोना न पड़े। नत्थी झानं अपयस्य पय्या नत्थी अजायतो यम्हि झायं तपय्या च सवे निब्बाण संतिके। जिसको प्रज्ञा नहीं उसका चित्त एकाग्र नहीं होता, जिसका चित्त एकाग्र नहीं वो प्रज्ञावान नहीं हो सकता।